ये भागवत ग्रंथ की कितनी महिमा। हमारे टीकाकारों ने बताए किसी ग्रंथ की महिमा अगर हम समझना चाहते हैं तो उसको चार दृष्टिकोण से वो ग्रंथ की महिमा को समझनी चाहिए। पहला है ये भागवत कथा सुनने का अधिकार को, ये कथा को कौन सुन सकते हैं? लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वही सुन सकते हैं, बोले जन्मांतरी भवित पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। वही व्यक्ति कथा सुन सकते हैं जिनको करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ, तभी ये कथा कोई सुन सकते हैं। अगर कोई प्रश्न करे हम तो बड़े पापी हैं, हम तो सारे पाप किया हुआ, क्या ये भागवत कथा हम सुन सकते हैं क्या? अब इसके लिए उदाहरण दिया कि ये धुंधुकारी जैसे इतना बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। जिसने पिताजी को इतने सताया, पिता घर छोड़कर भाग गए, मैया जी को इतने पिटाई की, एक बार केवल बैठ गए और आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल ये भागवत कथा सुना। ये कथा सुनते सुनते भगवत प्राप्ति मुक्ति मिल जाएगी। मतलब है कथा कौन सुन सकते हैं? पापी से पापी भी ये कथा सुन सकते हैं। अगर कोई बोले हम क्या कम जानते हैं, अरे हमने सब पढ़ रखा है, सुनी सुनाई बात हम कितना बार सुने, हम सब जानते हैं। बोले नहीं, कहते श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े ज्ञानी जगत में कोई नहीं, जो मैया के पेट में 16 साल तक रहे और वो जन्म होते ही वो ब्रह्म ज्ञानी बन करके चले गए, बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे। लेकिन ये भागवत कथा की इतने महिमा, कथा की इतने महिमा ये भागवत कथा की, जब सुखदेव गोस्वामी केवल भागवत का एक श्लोक उनके कान में पड़ा तो वो एकदम पागल हो गई और उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके फिर उन्होंने घर में आए और श्री व्यास देव उनको पूरी भागवत कथा सुनाए। तात्पर्य है कथा कौन सुन सकते हैं? बोले ज्ञानी से ज्ञानी क्यों नहीं हो, वो भी भागवत कथा सुन सकते हैं, और पापी से पापी क्यों नहीं हो, वो भी भागवत कथा सुन सकते हैं। कथा सब सुन सकते हैं और कथा ऐसे की चीज है, कथा सुन करके कभी किसी को अरुचि नहीं आती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बले राम कथा जय सोना तधारी, राम कथा सुनने का इतना शक्ति दो
जैसे 10,000 कानों में कथा सुनने का जितने शक्ति हमें उतना शक्ति है। दूसरा कारण बताएंगे, जैसे यहाँ कथा हो रही है और भी तो कहीं प्रभु की कथा हो रही होगी, जहां जहां पृथ्वी में भगवान की कथा होती होगी मैं उतना रूप धारण करते हुए सब ज्यादा में कथा सुनना चाहता हूँ। जैसे श्री हनुमत लाल जी बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तन, अगर करोड़ों जगह में अगर प्रभु का कीर्तन कथा होगा ना, हनुमान जी करोड़ रूप धारण करते हैं। अब देखना कहीं भी प्रभु राम की कथा हुई थी, सबसे पहले श्री हनुमान जी की तस्वीर वहां रखी जाए सबसे पहले, क्योंकि राम कथा सुनने का सबसे बड़ा जो रसिया है यदि बोले श्री हनुमत लाल जी, बोले श्री हनुमत लाल जी की, इसलिए कथा सब सुन सकते हैं। दूसरा बात बताए, प्रश्न है प्रिया कथा सुने कहां से, कथा कहां से सुननी चाहिए, तो भागवत कहते हैं जहां भागवत पढ़ो वैष्णव, कथा केवल वैष्णव से ही सुननी चाहिए। वैष्णव मतलब होता है जो विष्णु मंत्र में जो दीक्षित है उनको वैष्णव कहते हैं, कहते उनसे ही कथा में श्रवण करनी चाहिए। बोले जहां तहां कथा नहीं सुननी चाहिए, मना करते हैं। बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण बताए ये पद्म पुराण के श्लोक है, बोले अवैष्णव उपदेष्टन मंत्रेण अवैष्णव मुखद गिरनम पूतम हरि तथा मृतम श्रवणैव नैव कर्तव्यम् सर्वोत्तिष्ठ यथा पयो। उदाहरण लिया जैसे दूध है, अगर हम दूध पिएंगे तो क्या होगा, पिता की वृद्धि होगा, शरीर में ताकत आएगी, दृष्ट पुरुष में लगाई थी, लेकिन वही दूध है अगर उसमें सांप मुंह मार दिया तो वो देखने के लिए तो लगता भैया ये दूध है, दूध जो पियोगे ना वो मृत्यु का कारण बनेगा, क्यों, उसमें सर्प ने मुंह मार दिया है। इसलिए यहाँ पर बताए तो अगर अगर वही कथा श्रवण करनी चाहिए। इसलिए बोले दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक अर्थार्थी और एक कृष्णार्थी, एक कृष्णार्थी और एक अर्थार्थी। अभी जिसकी मन में कथा के विनिमय में केवल पैसा पैसा ही, हम देखना बात को बारंबार घुमा घुमा कर पैसा मिलाएंगे, बोले आज ये रुक्मणी विवाह है, एक को पिता बना देगा आज मैया बना देगा, बोले देखो जैसे बेटी की शादी में जैसे दहेज देखो, दहेज दहेज दो, इतने रुपया दो, इतने गहना दो, इतने कपड़ा दो। कृष्ण का जन्म उत्सव आएगा, बोले नंद बाबा ने 20 लाख गैया दान दिया था, कम से कम एक गैया तो दान दो, एक गैया का जन्म 40 से 50 हजार रुपया दो, एक गैया। वामन देव का जन्म होगा, बोले दो चढ़ाओ करो पैसा दो। अभी जिसके हृदय में पैसा की भावना है, जिसके हृदय में ये भावना बैठा हुआ होगा, अगर वो कथा उनसे अगर हम सुनेंगे फिर तुम्हारे हृदय में क्या आएगा, तो बोले पैसा ही आएगा, भक्ति नहीं आएगा, तुमको भक्ति मिलेगी नहीं इस व्यक्ति से कथा सुनने से, क्योंकि आप जिससे सुन रहे हो तुम्हारी कल्याण नहीं सोच रहा, वो पैसा के उद्देश्य से ही वो कथा सुना रहे, इसलिए सुनने वालों का भी कल्याण नहीं और सुनाने वालों का भी कल्याण नहीं, दोनों का ही कल्याण नहीं होगा। इसलिए बोले एक है कृष्णार्थी और एक है धनार्थी। अगर जिसको भगवत भक्ति के उद्देश्य से कथा सुनाता होगा फिर क्या होगा, सुनाने वाला का हृदय में भी भक्ति और जो सुनेगा ना उसका हृदय में भी प्रभु की भक्ति आएगी, उसके हृदय में भी प्रभु की प्रेम आएगी, नहीं तो पूरी भागवत कथा रखवा दिया, बल उसने इतना लाख रुपया खर्चा कर दिया था, हम भी दुनिया को दिखाएंगे, सारा परिवार बुलाएगा, देखो उसने क्या ऐसे कथा करवाया, देखो हमने भी इतने दान और इतने पुण्य हमने किया, देखो हमने भी इतने बड़ी कथा करवाई। उसको भक्ति से कोई मतलब नहीं, वो मतलब है अपना प्रतिष्ठा से ही मतलब है। इसलिए यहाँ पर बताई कथा हम सुने कहाँ से,
जैसे भैया ये कान रूपी जो जोड़ा है ना सबको मत दिया कर, ये कान रूपी जोड़ा सबको नहीं देनी चाहिए, बहुत सोच विचार करके ये कथा सुननी चाहिए। कथा सुनो भक्तों से, वैष्णव से कथा सुनो, फिर तो तुम्हारे हृदय में भगवत भक्ति और भगवत प्रेम आएगा। इसलिए एक उदाहरण दिया, जैसे समुद्र मंथन, समुद्र मंथन से बीज भी निकला और समुद्र मंथन से अमृत निकला, ये कथा भी ठीक वैसे, ये कथा से अमृत भी प्राप्त होता है और कथा से जहर भी मिली। ये दोनों चीज जैसे समुद्र मंथन से वो दो चीज निकली है, कथा को अगर मंथन करेंगे यहाँ से भी आपको दो चीज मिलेगी, एक तो विष मिलेगा और एक अमृत मिलेगा। बोले विष कब मिलेगा, जब अभक्तों से कथा सुनो आपको विष ही विष मिलेगी, भक्ति नहीं मिलेगी। अगर भक्तों से कथा सुनो फिर तो आपको अमृत प्राप्ति होगी, भगवत प्रेम भगवत भक्ति हमें मिलेगा। इसलिए बोले कथा वहीं से सुननी चाहिए जहाँ केवल प्रभु की भक्ति की ही बात हो, दुनियादारी की बात नहीं हो, तभी तो हमारी कल्याण है, नहीं तो कल्याण नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल हम लोगों ने जो कथा सुनी थी वो था पद्म पुराण की कथा है, आज हम थोड़ी सी स्कंद पुराण की कथा हम सुनते हैं। जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, मैया कुंती ने देखा जब कृष्ण ही चले गए फिर ये शरीर रखकर के क्या लाभ है, कृष्ण विहीन प्राण बेकार है। मैया कुंती उसी समय अपना शरीर को त्याग देती है। पांडव ने देखा कृष्ण ही चले गए, फिर ये दुनिया में रह करके क्या लाभ है, पांडव भी ये दुनिया को त्याग दी। लेकिन जाने से पहले उन्होंने श्री वृंदावन का राजा बज्रनाभ को बनाया और हस्तिनापुर का राजा उन्होंने श्री परीक्षित महाराज को बनाया। एक दिन परीक्षित महाराज वृंदावन में बज्रनाभ से मिलने के लिए आए कि कृष्ण का पौपुत्र है, बेटा का बेटा का बेटा। बोले बज्रनाभ सब कुशल मंगल है ना, बोले आपका आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है, लेकिन मेरा मन बड़ा उदास है। बोले क्यों, बोले ये वृंदावन पूरा सुनिए कुछ है ही नहीं। जैसे भगवान राम जब अयोध्या छोड़ करके गए, संपूर्ण अयोध्या वासियों को प्रभु लेकर गए, केवल एक व्यक्ति को छोड़ कर गए श्री हनुमान के नाम, क्योंकि प्रभु की भक्ति प्रचार करने के लिए। उसी तरह जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके गए, पूरा वृंदावन को पूरा लेकर गए, एक कीड़े मकोड़े तक भी वहां पर नहीं थे, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़े श्री सुखदेव गोस्वामी को ये भागवत प्रचार करने के लिए। बोले ब्रज तो एकदम सुनी सुनी लग रहा है, कोई वृंदावन नहीं, हमारा मन तो बड़ा उदास है। लेकिन परीक्षित महाराज को ये पता है एक स्वरूप में तो कृष्ण गए लेकिन दूसरे स्वरूप में ब्रज में विद्यमान है। कृष्ण स्वयं कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, मैं ये वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी कहीं बाहर नहीं जाता। लेकिन ये रहस्य परीक्षित महाराज को पता, उन्होंने सांडिल्य ऋषि को बुलाए, उनका पुरोहित है। बोले सांडिल्य ऋषि आप थोड़ी सी कृपा करके ये जो वृंदावन धाम की थोड़ा महिमा बताओ। तब सांडिल्य ऋषि कहते देखो भगवान की दो तरह का लीला है, एक तो व्यवहारिक लीला और एक उनकी वास्तविक लीला है। साधारण रूप में देखो कृष्ण ये संसार छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी अगर वास्तविक लीला देखोगे कृष्ण कहीं भी नहीं, कृष्ण अभी भी वृंदावन में है। लेकिन वो लीला कौन दर्शन कर सकता है, बोले प्रेमांजन छोरित भक्ति विलोचनीना संत सदैव हृदयसु
विलोकयं तं जं श्यामसुन्दरं मचिन्तगुणस्वरूपं गोविन्दाङ्गमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले उन्ही प्रभु लीलाओं को दर्शन कर सकते हैं जिन्होंने अपना आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगाया। लेकिन हमारे आंखों में काम क्रोध ईर्षा द्वेष छल कपट प्रपंच भरा है, इन्हीं आंखों से प्रभु का दर्शन नहीं होता है। प्रेम रूपी अंजन लगाओ, सर्वत्र अब कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण ही दिखेगा। वृंदावन अब गए हो, कौन कौन वृंदावन गए, कई कई सबके सब गए। वृंदावन में दो वन है, एक निधु वन और एक निकुंजन। आप गए होंगे, आप देखना वहाँ पर कुछ बंदर भी दिन में रहते हैं। वो शाम होते ही जो बंदर है ना, वो अपने आप वो जंगल से निकलते हैं, उनको निकालने का जरूरत नहीं। वहाँ पर देखना दो मंदिर छोटे छोटे हैं। रात को वहाँ पर ठाकुर जी की फूल की सज्जा लगाते हैं, दांतन लग रखते थे, लोटे में पानी लड्डू रख लेते हैं। आप सवेरे कभी मंगला आरती के बाद में जाओ, आपको ऐसे लगेगा मानो रात को कोई पुष्पों को सज्जा के ऊपर में लेट कर गए। अगर कोई जोर जबरदस्ती रुक जाए, हम देखना चाहते हैं ठाकुर जी क्या करते हैं, वो गूंगा बन जाएगा नहीं तो शरीर छोड़ देगा। इसलिए वो जंगल के पास में अपना अपना मंदिर, मैं तो दो घटना देखा है, एक को तो गूंगा बनते हुए देखा, एक को मरते हुए देखा। अगर जिनको विश्वास नहीं होना, अरे भगवान भगवान किसने देखा, किसने भगवान देखा। एक बार वृंदावन में जाओ, वो वन में एक रात रुक कर देगी, फिर भगवान है कि नहीं आप तो अपने आप पता चले जाएगा ठाकुर है कि क्या नहीं है। इसलिए अभी भी भगवान पूर्ण रूप में ब्रज में लीला कर रहे हैं, कहीं ठाकुर नहीं गए। हमारे संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु धारा में एक संत हुए हैं जिनका नाम था श्री श्यामानंद। जब वो गुरु जी को पास में आए, गुरु जी ने बोला देख बेटा, जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक तेरे को मेवा नहीं दूंगी, जाओ। ये निधुवन निकुंज वन में अभी भी ठाकुर जी लीला करते हैं, तुम रोज जा करके वहां पर झाड़ू लगा दो। ये महाप्रभु का भक्तों की कथा है। अभी वो रो रो करके राधा जी के नाम को ले ले करके रो रो करके रोज वहां झाड़ू लगाया करते थे। अभी राधा रानी दर्शन देने के लिए व्याकुल हो गई, दर्शन देगी कैसे, उन्होंने बहाना बनाई, अपना चरण की जो नुपुर पायल को छोड़ कर गए। जब ये संत सबरे गए, देखा घना घोर जंगल, लेकिन वहां पर सोने की नुपुर पड़ा हुआ। उन्होंने वो नुपुर को लेकर के अपना गुरु जी को पास में गए, और गुरु जी भी साधारण नहीं थे, वो राधा रानी की सखी थी, वो तो देख करके पहचान गए ये तो श्री किशोर जी की चरण की नुपुर हुए। बोले बेटा तुमको मिला कहाँ से, बोले मैं झाड़ू लगाते लगाते मिला। बोले बेटा ये राधा जी की चरण की नुपुर है, अगर कोई लेने के लिए आए देना नहीं, बोलना जिनकी चरण की नुपुर वो स्वयं आए और अपना हाथों से पहनाऊंगा। अभी ललिता विशाखा आए, बोले बाबा बाबा हमारे घर की बहू यहाँ पर पुष्प चयन करने आई थी, कहीं चरण की पायल कहीं खो गई, तेरे को मिला है। बोला हाँ एक तो मिला, बोले दे दो। बोले मैं नहीं देता हूँ, जिनकी चरण की पायल को स्वयं यहाँ पर आए मैं अपना हाथों से पहनाना चाहता। गुरुजी ने बोला था बेटा परीक्षा होगा देना नहीं, बोला मैं अपना हाथों में पहनाऊंगा। ललिता विशाखा बोले तू कैसे संत हो, वो हमारी घर की बहू, तेरे को शर्म नहीं लग रहा है, तू संत हो करके घर की बहू के पैर में पायल पहनाओगे, अगर अच्छा चाहते हो दे दो, नहीं तो भैया को बुलाएंगे फिर तेरी धुलाई होगी। बोले जो कुछ बोलना बोल दो, मैं तो अपना हाथों में ही पहनाऊंगा। उन्होंने राधा जी को बोले, राधा रानी बोली बोलो ये हमारी घर की बहू और ऐसे नहीं आएगी, पहले अपना आंखों में काला पट्टी बांधो फिर आएगी। बोले कोई बात नहीं, काला पट्टी बांध दे। स्वयं राधा रानी वहां पर आई, उन्होंने अपना हाथों से राधा जी की चरण में उन्हें नुपुर पहनाए, उनके चरण स्पर्श होते ही उनको रोम रोम खिल उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गई।
और राधा जी के चरणों को पकड़ते हुए बोले, हे राधे, जब आपने यहाँ तक कृपा की है, मुझे दर्शन दिया था। राधा रानी दर्शन करना चाह रही थी, फिर आंखों से काला पट्टी को खोल दिए, फिर उन्होंने श्री राधा रानी की उन्होंने दर्शन की। बोले श्रीमती राधा रानी की जय, जय श्री राधा। इसलिए अभी भी पूर्ण रूप में राधा रानी है। आपको 50 साल पहले का एक कथा सुना था, ज्यादा दिन 50 साल पहले एक व्यक्ति की पत्नी का नाम थी किशोरी। वो बड़ी प्यारी, बड़ी पतिव्रत नारी थी, पति की बड़ी सेवा करती थी, लेकिन इस शादी के कुछ दिन बाद में उसने शरीर छोड़ दी। पति उसको पर में बहुत ही आसक्त था। जब उसने शरीर छोड़ दी, अपना पत्नी की चिंतन करते करते वो पागल हो गया। अभी दिन भर पत्नी का नाम लेता है, हाँ किशोरी तो कितने अच्छी थी, हाँ किशोरी तो कहाँ चली गई, हाँ किशोरी, ऐसे करते करते उसने वृंदावन में कैसे आ गया। अभी रात भर उसको नींद नहीं, हाँ किशोरी तो कितने अच्छी। लेकिन भगवान की जो रास है, बोले चार ही तरह का प्रभु का रास है। एक है बासंती रास, एक है महारास, एक है शारदीय रास और एक है नित्य रास। ठाकुर जी के चार तरह का रास है। ठाकुर जी अभी भी वृंदावन में रोज ठाकुर जी रास रचाते हैं। अभी राधा रानी अपना सहेलियों के साथ में रास करने के लिए आई, आई तो उन्होंने सुना किसने हाँ किशोरी बोल करके आर्तनाद करते हुए पुकार रहा है। राधा रानी बड़ी दयालु, बड़ी कृपालु सी राधा रानी। राधा रानी ललिता विशाखा से बोले, देख ललिता, कोई एक मेरा भक्त आया है वृंदावन में, देखो रात में सोया नहीं, मेरे नाम को ले लेकर कैसे पुकार रहा है, क्योंकि वृंदावन में सबके सब राधा जी की किशोरी किशोरी बोलते हैं, सब किशोरी 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 बोलते हैं, नित्य किशोरी श्री राधा रानी। ललिता विशाखा बोले, चुप रह, तेरे को किशोरी किशोरी बुला रहा है। अरे उसकी पत्नी का नाम थी किशोरी, वो बड़ी पतिव्रत नारी थी, वो कम उम्र में शरीर छोड़ दिया, तो वो पति उसको प्रेम में पागल हो गया, वृंदावन में अपना पत्नी को बुला रहे, तेरे को बुला रही, चुप बैठ। अगर दो व्यक्ति का नाम अगर बराबर हो ना, अगर आप एक व्यक्ति को पुकार तो दूसरा व्यक्ति आवाज देगा, क्या मुझे बुला रहे। अभी वृंदावन में तो किशोरी राधा जी को सब जानते हैं, अभी उसको पुकार बंद नहीं हो रहा है, हा किशोरी हा किशोरी हा किशोरी। अभी राधा रानी के कान में बारम्बार वो आवाज टकरा रही है। इतने में राधा रानी ललिता से मिले, देख ललिता, बताओ ये किशोरी नाम है किसी, ये किशोरी नाम मेरी है, लेकिन उसको दी गई किशोरी नाम, लेकिन नाम किसकी, मेरी। अगर कोई वृंदावन में आए और मेरे नाम को लेकर के पुकारे, इसलिए भले ही अपना पत्नी को कोई नहीं पुकार रहा है, जाओ उसको बुला करके ले। ललिता विशाखा उसको बुला करके लाती है, फिर राधा रानी उसको सर पर हाथ रखती, हाथ रखते ही वो तो एक पागल था, फिर उसने दूसरा पागल हो गया। कहते हैं ना, कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के। कभी जितने सारे पागल है ना, ये सारे पागल है कि कोई सही पागल नहीं। सही पागल कौन है, जो पागल है श्री भगवान के बिहारी के। बोले श्री भगवान के बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमती राधा रानी जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसे ही वृंदावन में बहुत सारी घटनाएं, श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्तों को चरित्र में तो इतने घटना जो सोच नहीं सकते। हम बड़गाम कभी गए होंगे, वहां पर गट्टेर का दम है, जहां पर कृष्ण जिस कदम वृक्षों के ऊपर चढ़ करके अपना गैया को बुलाया करते थे, गोपियों को बुलाया करते थे, वो दो भाई थे, दो ही संत हैं। उसी समय नवाब
बंगाल का जो नवाब था, दोनों भाई, एक भाई था तो प्राइम मिनिस्टर और एक भाई था वित्त मंत्री, लेकिन जब उनको ऊपर में कृष्ण भक्ति की रंग चढ़ी, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में भजन करने के लिए आए। दोनों भाई दो जगह पर रहते थे पास पास में, कभी कभी दोनों इकट्ठे होकर के आपस आपस में हरी चर्चा करते थे। एक दिन श्री सनातन गोस्वामी से रूप गोस्वामी के पास में आए और दोनों एकदम हरी चर्चा में मस्त हो गए। अभी छोटे भैया सोच रहा है बड़े दिनों के बाद में बड़े भैया आया, कुछ तो उनको खिलानी चाहिए, लेकिन उनको खीर बहुत पसंद है। आज से 5.5 साल पहले के बात है, उनको खीर बहुत पसंद था, लेकिन घना घोर जंगल उस समय तो कुछ है ही नहीं, दो चार घर केवल है। लेकिन राधा रानी इनकी भावना को समझते हुए राधा रानी स्वयं वहां पर दूध चावल काजू किशमिश लेकर के आई, बोले बाबा बाबा लो अब खीर बना करके प्रसाद पा लेना। बोले लाली तू जा हम खीर बना कर खा लेंगे। लेकिन उनकी हरी चर्चा ही समाप्त नहीं हो, हरी चर्चा में दोनों डूबे हुए। फिर राधा रानी घूम फिर करके आती है, बोले बाबा बाबा आप कथा करो मैं बना देती हूँ। राधा रानी स्वयं बना करके जाती है। बड़े देर में उनकी कथा विश्राम हुई, बोले कोई एक छोटी लाली आई थी, बोले मैं खीर बना करके गई हूँ, देखा सचमुच से बड़ा सुंदर खीर बनाया हुआ। तब उन्होंने ठाकुर जी को भोग लगाया, भोग लगा करके जब बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी को दिया, वो तो खीर खा करके उनको रोम रोम खिल उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गई। बोले रूप तुमने मन में कोई इच्छा की थी? बोले हाँ भैया मैं सोच रहा था आप बड़े दिनों में आए हो, आपको थोड़ा खीर बना कर खिलाए। बोले तुम ये बताओ कि घनाघोर जंगल में कौन तुम्हारी भावना को समझे और कौन ये खीर बना कर देना बता। कि जो बालिका थी और कोई नहीं वो स्वयं श्री राधा रानी थी। कहाँ राधा जी की सेवा करनी चाहिए और राधा रानी हमारी उल्टा सेवा करके गई। खबरदार कभी ऐसे सोचना नहीं, पर राधा जी के चरण में माफी मांगते हैं। इसलिए इतने घटना है महाप्रभु के चरित्र में, उनकी भक्तों को चरित्र में इतने घटना है, इतने सुंदर सुंदर कथा है। इसलिए कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो हम भुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तो खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तो हम सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपियां जैसे तो हम नचाते नहीं। भगवान सब कुछ करते हैं। अगर हम ऐसे भक्त बने ना, ठाकुर जी क्या नहीं करते हैं भक्तों के लिए। ठाकुर जी सब कुछ अपना भक्त के लिए करते हैं। इसलिए श्री सांडिल्य ऋषि ने वज्रनाभ को ये सारी कथा सुनाई। बोले कृष्ण कहीं नहीं गए, अभी भी भगवान कृष्ण ब्रज में पूर्ण रूप में विद्यमान है। तुमको क्या करना पड़ेगा? बोले एक काम करो, कृष्ण चले गए ना, उनकी जितने लीला स्थली वो धीरे 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 अंतर ध्यान होते जा रहा है। तुम ये सारे लीला स्थलियों को प्रकाश करो और सारे ठाकुरों को प्रकाश करो, फिर तो भगवान की कृपा तुम्हारी ऊपर होगी, भगवान का दर्शन तुम्हें प्राप्ति होगी। फिर उन्होंने पूरा ब्रज में जो जो कहीं भी वृंदावन गए हो, नंदगांव कहाँ है, बरसाना कहाँ है, गिरिराज गोवर्धन कहाँ पर है, इन्होंने सारे लीला स्थलियों को उन्होंने प्रकाश की। और उन्होंने कृष्ण जैसे जैसे उन्होंने नाम लीला की थी, उन्होंने सारे लीला स्थली का नाम भी बेच रखा है। बोले एक स्थान का नाम है कोसी, बोले इसका नाम कोसी क्यों नाम पड़ा? बोले नंदबाबा का कोषागार था इसलिए उसका नाम कोसी पड़ा। कोसी का दूसरा अर्थ होता है को असी, बोले तुम कौन हो? को असी। बोले एक समय राधा रानी को साथ में कृष्ण मिलने के लिए आए, राधा रानी घर को अंदर में थी,
कृष्ण ने दरवाजा खटखटाया, राधा रानी बोली कोसी तुम कौन हो? कृष्ण बोले मेरा नाम कृष्ण है। राधा रानी आज कृष्ण को ठगना चाह रही थी, बोले कृष्ण, बोले एक काला सांप होता है उसको नाम कृष्ण सांप कहते हैं, बोले ये काला सांप कहाँ से आ गया, मैं दरवाजा नहीं खोलता हूँ। कृष्ण बोले मैंने कृष्ण नाम बोला तो उसने दूसरा अर्थ लगा दी। कृष्ण फिर दरवाजा खटखटाए, राधा रानी कहती है कोसी तुम कौन हो? कृष्ण बोले मैं और एक नया नाम बोलता हूँ, बोले मेरा नाम है घनश्याम। बोले घनश्याम, घनश्याम का मतलब होता है बरसालू बादल। बोले यहाँ थोड़ी मेघ की जरूरत है, जहाँ पर मेघ की जरूरत है खेती नहीं वहीं पर चले जाओ, यहाँ पर बरसात मत करो नहीं तो कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। कृष्ण तो चुप हो गए। थोड़ी देर बाद में फिर कृष्ण दरवाजा खटखटाए, राधा रानी बोली कोसी, बोले तुम कौन हो? कृष्ण बोले और एक नाम बता दिया, बोले मेरा नाम है चक्री जो सुदर्शन चक्र धारण करता है। राधा रानी बोले चक्री, अब देखना जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं ना एक चक्र होता है जिसमें मिट्टी रख करके हाड़ी बल से बनाते हैं। बोले हमारे घर में थोड़ी शादी विवाह है, हमको बर्तन की जरूरत नहीं, जहाँ शादी विवाह वहीं पर चले जाओ। कृष्ण बोले भैया सारे नाम बोल बदला रही है। फिर कृष्ण दरवाजा खटखटाए, बोले कोसी, बोले तू कौन हो? कृष्ण बोले मेरा नाम मधुसूदन, मेरा नाम मधुसूदन है जो भक्तों का प्रेम रूपी मधुओं को जो आस्वादन करे। एक मधुमक्खी का नाम होता है मधुसूदन, भौरा का नाम, क्यों? फूल गोबर बैठ करके मधु का आराधना करता है। बोले मैं दरवाजा नहीं खोलती हूँ, ये मधुमक्खी मेरे को काट जाएगी। अभी कृष्ण जितने नाम बोले, राधा रानी दूसरे दूसरे नाम को उसका व्याख्या करती है। लास्ट में कृष्ण हार गए, बोले हे राधे मैं हार गया, तू जीत गई, अभी तो दर्शन दो। फिर राधा रानी दरवाजा खोल करके दर्शन देती है। ऐसे ही ब्रज में जहां जाओगे एक स्थान का नाम है जाबट। बोले जाबट नाम क्यों पड़ा? एक दिन कृष्ण सुंदर बंसुरी बजाए, बंसी ध्वनि सुन करके सखिया राधा रानी को श्रृंगार करने की, सारे श्रृंगार तो हो चुकी थी, केवल चरण में जो मेहंदी लगाती वही बाकी रह गई थी। कृष्ण बंसी ध्वनि सुन करके राधा रानी भागते 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 आए। श्याम सुंदर ने देखा राधा रानी का सारे श्रृंगार है, केवल प्यार में मेहंदी नहीं, वो एक जाबक एक वृक्ष उसका पत्ते को रगड़ करके कृष्ण जूस निकाले और अपना हाथों से राधा रानी के गले में वो मेहंदी लगाया, इसलिए उसका नाम है जाबक। जाबक है। एक स्थान का नाम है आज नव, ये वज्र नाम ने रखा है। कभी राधा रानी की कृष्ण श्रृंगार कर रहे थे, सारे श्रृंगार तो हुए, केवल आंखों में काजल लगाना बाकी था। कृष्ण बंसी ध्वनि सुन करके राधा रानी आई, देखा सारे श्रृंगार थे लेकिन आंखों में केवल काजल लगाना बाकी है। कृष्ण अपना हाथों से काजल लगा करके एक पत्थर को भर के अपना अंगूठी को घिस दिया। अगर आप लोग कभी जाओगे ब्रज मंडल में, अभी भी वो पत्थर है, अभी वो पत्थर को रगड़ोगे ना, ऐसे हाथ करोगे जिस आंखों में काजल लगा दी, वो अभी वो पत्थर से वो रंग निकलता है। अद्भुत स्थान है कृष्ण लीला की, इसलिए वज्रनाभ ने इस सारे स्थान को उन्होंने प्रकाश दिया है। इन्हीं की कृपा है जो ब्रज में हमें थोड़ी बहुत लीला स्थलियों का हमें दर्शन प्राप्त होता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल की जय, जय श्री राधे जय, जय श्री राधे। एक दिन कृष्ण का महिषियों ने देखा कालिंदी को, मतलब ये यमुना को, वो सबके सब कृष्ण विरह में दुखी, लेकिन ये जो कालिंदी इसकी मन में कोई दुख नहीं। बोले कालिंदी हम सबके सब कृष्ण विरह में दुखी, लेकिन तेरी मन में तो कोई दुख ही नहीं, तुम्हारे मन में क्या बात है, तेरे को क्या कृष्ण विरह तुमको सता नहीं रही है?
बोले देखो राधा रानी की आशीर्वाद से मेरे को पता है कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं, अभी भी कृष्ण वृंदावन है। बोले हमें ये बात अनुभूति कैसे होगी? बोले कृष्ण उद्धव जी को ब्रज में भेज करके ये ब्रजवासियों को सांत्वना दी थी, ये उद्धव ये रहस्य बता पाए। बोले उद्धव अभी कहाँ मिलेंगे? बोले अभी भी उद्धव श्री गिरिराज गोवर्धन में अभी भी वहीं पर घास बन करके तपस्या कर रहे हैं। हम लोग गिरिराज की परिक्रमा लगाए हैं, कौन कौन गिरिराज की परिक्रमा लगाए? अब देखना गिरिराज की परिक्रमा करते करते राधा कुंड से पहले ये उद्धव कुंड आता है। बोले अभी भी उद्धव जी वहीं पर घास बन करके अभी भी तपस्या कर रहे हैं। बोले चलो हम सबके सब वहां पर चलते हैं और श्री उद्धव जी को प्रश्न करेंगे कि उद्धव कैसे ब्रजवासियों को सांत्वना दी। सारे ब्रजवासी मतलब कृष्ण का 16,108 पटनाइयां, श्री परीक्षित महाराज, बज्रनाथ, ये सबके सब वहीं पर आए आ करके बड़े सुंदर भगवान कृष्ण की वो कीर्तन करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। वृंदावन मकरंद है रस ये दुल्हन प्यारी राधिका, दुल्हा साथ सजा, अच्छा मोहन से प्रेरित कौन कौन ने किया है? सांवरे से मोहन से दिल कौन ने लगाया है? बस अरे सभी ने तो दिल लगाए, इसीलिए आए हैं कथा सुन, लेकिन डर के वजह से कोई हाथ नहीं उठा रहा, कहीं गलत ना हो जाए। तो मोहन से जो दिल लगाया है, आइए सभी लोग ताली बजा कर और नाचते भय इस भजन का आनंद लेंगे। हरे मोहन से दिल क्यों लगाया है ए मैं जानूंगा, मोहन से दिल क्यों लगाया है ए जानूंगा, मोहन से दिल क्यों लगाया है ए मैं जानूंगा,
Today.
देवी की तालियों की सेवा कर रहे हैं। Oh, 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 oh
का दिल लगाया है। हाथ उठाए सभी लोग एक बार, हाथ उठाकर आपको क्या बोलना है सुनाने पड़ेगा। नहीं जोर से राधे राधे। इतने लोग बैठे हैं लेकिन आवाज आ रही है राधे। एक बार जोर से बोलेंगे राधे। तो आपको राधे राधे बोलना है, ताली बजा कर क्या से बोलेंगे वृंदावन में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना दी। अभी हम भी कृष्ण विरह में बड़े दुखी है, तुम हमें भी सांत्वना प्रदान करो। अभी तुम बताओ कृष्ण हमें मिलेंगे कैसे। उद्धव जी ने कहा देखो कृष्ण जब ये संसार छोड़ करके जा रहे थे उसी समय वहीं पर मैं भी था। मैं भी यही प्रश्न की थी, हे कृष्ण अभी तुम्हारी विरह को हम सहन कैसे करेंगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा देखो उद्धव इसी जगत में मैं बारंबार नहीं आता, ब्रह्मा का एक दिन में इसी जगत में एक बार आता। मतलब ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा, अभी ध्यान दे दे सुनो, आप पता लगाओ ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है और कृष्ण एक बार कब आते हैं, आप अच्छे तरह से हिसाब लगाओ। बोले कलियुग का जो परमायु है वो 432,000 साल, द्वापर युग का परमायु कलियुग को दो गुना कर लो कितना होगा, कितना होगा 8,64,000। अभी त्रेता युग को ये कलियुग का 3 गुना कर दो जितना हुआ, सत्य युग को ये कलियुग का 4 गुना कर दो, वो जितना हुआ इसको पूरा मिला। इसको मिलाने पर एक महायुग कहलाते हैं। ऐसे 71 महायुग में कहते इसको एक मन्वंतर कहते हैं। और ऐसे जब 14 मनु बीत जाती है तब ब्रह्मा का एक दिन मतलब है करोड़ों करोड़ों साल को बाद में एक बार भगवान कृष्ण द्वापर में आए। हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते हैं, हर तृतीया में श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं, हर कलयुग में हर तृतीया में प्रभु राम नहीं आते और कोई कोई आते। इसलिए अभी जो कलयुग है जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु आए, अभी जो द्वापर युग है इसी में ही कृष्ण आए थे, उसको पहले जो तृतीया युग या प्रभु राम आए थे ये हर समय नहीं आते। इसलिए ये कलयुग को धन्य कलयुग बताया गया। कलयुग में कोई जन्म लेना नहीं चाहते क्योंकि जू का ना हम ही कली ना लड़ाई झगड़ा है, लेकिन इसी कलयुग में देवता लोग भी जन्म लेना चाहते। क्यों? इसी कलयुग में श्री महाप्रभु आए, उस दिन पहले भगवान कृष्ण आए थे, उस दिन पहले प्रभु राम आए थे। इसलिए हर समय कृष्ण नहीं आए, लेकिन कृष्ण एक अच्छी बात बता करके जा रहे हैं। ध्यान देकर सुना,
कहते हे उद्धव, मैं तो ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आता हूँ, अगर ये कलयुग में मुझे कोई प्राप्त करना चाहते हैं, मैं कलयुग में और एक रूप में भी रहूंगा। बोले किस रूप में? बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ये मेरा ही रूप है। इसलिए भागवत में द्वादश स्कंध पारव खंड है, इसका प्रथम और दूसरा खंड ये वाक्य बिहारी की दो चरण है, तीसरा चौथा खंड ये वाक्य बिहारी की दो जंघा है, पंचमा स्कंध ठाकुर जी की नाभि कमल, षष्ठ सप्तम स्कंध ये भगवान की दो भुजाएं, अष्टम स्कंध नवम स्कंध अष्टम स्कंध भगवान के वक्षस्थल, नवम स्कंध ये भगवान के कंठ, दसम स्कंध ये भगवान के मुखारविंद, एकादश स्कंध ठाकुर जी का ललाट और द्वादश स्कंध ठाकुर जी का सर। इसलिए बोले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं, बोले तेन अयंग पांगमय मूर्ति प्रत्यक्षे वर्तत हरि, भगवान सप्त ब्रह्म रूप में ये भागवत ग्रंथ रूप में कलयुग में विद्यमान। कृष्ण खुद कहते हैं बोले हे उद्धव, अगर कोई कलयुग में मेरे से मिलना चाहता है, अगर ये भागवत कथा श्रवण करे, ये भागवत ग्रंथ से ही मुझे प्राप्त करेगा, ये कृष्ण खुद बोल कर गए। जब ये बात को उद्धव जी बोले तब मनीष बड़े प्रसन्न हो गए, बोले उद्धव जी फिर तो आप हमें ये भागवत कथा सुना। बोले ठीक है, मैं तुम लोगों को भागवत कथा सुनाऊंगा। ये कथा सबसे पहले ये उद्धव जी श्री गिरिराज की तलहटी में, जहाँ उद्धव कुंड और कुसुम सरोवर, एक महीना तक उन्होंने ये भागवत कथा श्रवण कराया। जब ये भागवत कथा विश्राम की, ये भागवत से स्वयं श्री वाक्य बिहारी राधा रानी को साथ में, ग्वाल वालों को साथ में, सखियों को साथ में, कृष्ण स्वयं ये भागवत ग्रंथ सही साक्षात रूप में प्रकट हुए और महेशियों ने भगवान कृष्ण को दर्शन करके उनके हृदय में आनंद और विरह की दूर हुई है। इसका तात्पर्य है, आप लोग देखोगे जब ये सात दिन पूरी हो जाएगी ना, आपको ऐसे लगेगा जैसे भगवान यहाँ मिले, अब साक्षात रूप में लगेगा जैसे कृष्ण ही साक्षात रूप में हमें भगवान हमें मिल गई है। जब सात दिन खत्म हो जाएगा ना, अब इतना विरह होगा शायद भगवान से हमने बिछड़ गए, ठाकुर जी से हम बिछड़ गए ठाकुर से। इसलिए कलयुग में ये भागवत कथा की बड़ी महिमा है। बोले श्रीमद् भागवत कथामृतम् की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब से सुखदेव गोस्वामी ये भागवत को प्रारंभ करते ही वो तीन श्लोकों के द्वारा इनका मंगलाचरण की। बोले मंगलाचरण मतलब अगर कोई काम करते हो शुभ काम, मंगलाचरण के द्वारा उसका शुरुआत करो, वो काम बहुत अच्छे तरह से वो काम संपन्न हो जाता है, इसको मंगलाचरण कहते हैं, इसको मंगलाचरण कहते हैं। इसलिए कवि जयदेव गोस्वामी का एक ग्रंथ है जिसका नाम श्री गीत बोधि, अद्भुत ग्रंथ है। उसमें मंगलाचरण में बड़ा सुंदर एक भजन गाए, मैं उसका दो लाइन गाता हूँ। ये भजन में सिर्फ राधा जी के नाम की महिमा है, राधा जी की महिमा है, और ये भजन सुनकर के स्वयं जगन्नाथ जी, कोई एक देवदासी थी बैगन तोड़ते समय ये भजन गा रहे थी, स्वयं ठाकुर जी मंदिर छोड़कर वहां पहुंच गए और उसको पीछे 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 घूमते घूमते ये भजन को सुने, और जगन्नाथ जी की पिता पर सबके सब फट गया और भगवान की शरीर में कांटा की दाग आ गया और ठाकुर चुपचाप आकर सो गए। सवेरे मंदिर खोल करके देखा, जगन्नाथ जी की सारे फटे हुए कपड़े, बैगन का पेड़ कांटा की दाग पड़ा हुआ। राजा को प्रार्थना की, राजा परम भक्त है, बोले ठाकुर जी ऐसे कैसे हो गया? बोले कोई मेरा एक भक्त वो गीत गोविंद गा रहा था जिसमें श्री राधा रानी की महिमा, मैं अगर कहीं राधा जी का नाम हो मैं रह नहीं सकता हूँ,
वहां पर दौड़ दौड़ करके मैं जाता हूँ, कोई चिंता नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अगर ये भजन कहीं होना, ठाकुर जी रह ही नहीं सकते हैं, ठाकुर जी को वहां आना ही पड़ेगा। कैसे ये एक भजन है, उसका दो लाइन में गाता हूँ, आगे पीछे पीछे दोहरा लो, बोले जय जय दे बहरे, जय जय दे क्योंकि जो भागवत का पहला श्लोक में किसका नाम नहीं देंगे, उसमें केवल विशेषण उनका गुण गुण बताया, इसलिए जो जिस देवादेवी को पूजा करते हैं ये श्लोक को उन्होंने उसमें लागू कर दिया। लेकिन श्री बल्लभाचार्य एक हुए बहुत बड़े संत हैं, वे श्री बल्लभ संप्रदाय के, वो कहते हैं भैया वो परम सत्य जो है ना वो केवल भगवान कृष्ण है, वो केवल बांके बिहारी परम सत्य, जगत में और कोई परम सत्य नहीं। बोले आप ये बात कैसे बता दिया, यही परम सत्य हो। तो उन्होंने उदाहरण देते हैं, जब भगवान कृष्ण मातृ गर्भ में आते हैं उसी समय 33 करोड़ देवता एक साथ में उनकी गर्भ स्तुति करते हैं। वो गर्भ स्तुति का जो प्रथम स्तुति है, बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनीतम च सत्य 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 मृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वं शरणं प्रपद्ये।
ये 33 करोड़ देवता ये बात कह रहे हैं। बोले हे प्रभु, ये परम सत्य कौन है जो सृष्टि से पहले भी थे, अभी भी जो है और जो बाद में भी जो रहेंगे वो कौन है? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं पूर्ण ब्रह्म सनातनम, ये कौन है? ये भगवान कृष्ण है। ये भागवत का जो इष्ट देव ये भगवान कृष्ण के परम सत्य। लेकिन कुछ रसिक संतों ने कहा क्या केवल भगवान कृष्ण को ही प्रणाम किया ना और कोई है? बोले केवल कृष्ण नहीं, उनका साथ में श्री ईश्वर जी को भी प्रणाम किया, क्योंकि राधा जी के बगैर कृष्ण आधा है और राधा कृष्ण दो नहीं। इसलिए शास्त्र में बताया बोले जा भी राधा सा भी कृष्ण, जा राधा कृष्ण एव स एक ज्योति में द्विधा भिन्न राधा माधव स्वरूप। वो एक ही है जो कृष्ण, वही राधा जो राधा वही कृष्ण, केवल वो लीला करने के लिए वो दो हुए, एक आत्मा वो दो देह। इसलिए आप वृंदावन में जाओ, इसलिए किसी को कृष्ण कृष्ण बोलते हुए कोई नहीं बोलते कृष्ण कृष्ण, क्या बोलते हैं वृंदावन में? अरे जोर से बोलो राधे 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 राधे। वहां सबके सब किसके नाम लेते हैं? श्री राधा रानी का नाम, सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं, क्योंकि राधा के बगैर कृष्ण आता। इसलिए कोई एक रसिक संत था, उसने एक सुंदर पद लिखा है। वो पद में लिखा हुआ था मैं तो कृष्ण रंग में रंगी, मतलब कृष्ण रंग में मैंने रंग गया। अभी ये पद बड़े बड़े संतों के पास में गया, जो जो सुने बड़े महावा थे, कृष्ण की बड़ी सुंदर पद था। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु का एक भक्तों के पास में एक पद आया, उसने एक श्लोक लिख करके ना वो संतों के पास में भेज दिया। देखो वो श्लोक क्या है, बोले अनारत राधा पदा भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तत अटवी असंभास तद भाव गंभीर चिता कुतः श्याम सिंधु रस श्याम गा। बोले भैया तू बोलते हो कृष्ण भक्ति रस में तुमने डूब गया हो, इतने आसानी मत नहीं, आसानी नहीं। कृष्ण जिस जगह से टेढ़े है ना, उनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी गिरी है। वो कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण नहीं मिलते हैं। वो संत कहते हैं अगर तुम कृष्ण भक्ति रस में डूबना चाहते हो पहले 3 चीज तुम्हें प्राप्त होनी चाहिए, फिर तो कृष्ण मिलेंगे, नहीं तो कृष्ण बोलने से कृष्ण नहीं मिलेंगे। देखो 3 चीज क्या है, बोले अनाराध्य राधा पदम भोज रेणु। बोले जब तक श्री ईश्वर जी के चरण की धूल को तुम आश्रय ग्रहण नहीं करते, दूसरी चीज क्या है, राधा रानी को चरण को द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम को जब आश्रय ग्रहण नहीं करते हो, अब सबसे बड़ी चीज है राधा जी की भक्ति रस में जो संत सराबर हुए हैं, राधा जी की भक्ति रस में जो डूबे हुए संत हैं, जब तक उनकी चरण को आश्रय ग्रहण नहीं करते हो कुतः श्याम सिंधु रस श्याम, कहां तुम कृष्ण भक्ति रस डूब सकते हो? इतने आसानी मत समझो, जिनकी चरण को पाने के लिए ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार चित पद समाधि सुधि पश्यती नतव नघाग्र मरीचि। ब्रह्मा करोड़ों साल तक तपस्या करके कृष्ण की बात छोड़ दो, जिनकी चरण की नख की छटा तक उन प्रदर्शन नहीं कर पाए। अगर कृष्ण को पाना चाहते हो तो क्या करो, श्री ईश्वर जी की चरण में आश्रय ग्रहण करो, उन्हीं की कृपा से श्री कृष्ण मिलेंगे। बोले श्रीमती राधा रानी जय। इसलिए भागवत का मंगला चरण का पहला श्लोक में बताए राधा कृष्ण दोनों को भक्ति करनी चाहिए, अकेले कृष्ण को नहीं। बोले मंगला चरण का जो दूसरी श्लोक है, बोले ये प्रतिज्ञा करता है। बोले भागवत कितना बड़ा ग्रंथ है, वो एक श्लोक में 3 अत्र आया, मतलब ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में। बोले पहला अत्र क्या है, बोले धर्म प्रजीत तैतव अत्र, मतलब ये भागवत ग्रंथ में ये धर्म अर्थ काम यहाँ तक भी जो मुक्ति है वो मुक्ति को भी फेंक निकाला,
जिसमें मुक्ति की भी कोई बात नहीं, जिसमें पंचम पुरुषार्थ भगवान राधा कृष्ण की प्रेम की बात जिसमें, ये पहला अत्र है। दूसरा जो अत्र है बोले वेद्य वास्तव मद्रव, भागवत में वास्तव सत्य भगवान के प्रेम को जहाँ पर निरूपण की गई। और जो तीसरा अत्र है बोले सत्य अवरुद्ध अत्र। देखो कथा कितना महत्व, जैसे यहाँ पर कथा हो रही है अभी घर में आप बैठे, कथा में अब आएगी घर में हो, लेकिन आपको पता चला भैया ये पार्क का नाम क्या है? इंद्रपुरी। ये पार्क का नाम क्या? इंद्रपुरी पार्क। क्या? इंद्रपुरी पार्क है। ये इंद्रपुरी पार्क में भागवत कथा होने जा रही है। आप घर में बैठे हो, किसकी मन में अगर इतनी सी केवल इच्छा हो गया मैं कथा सुनने जाऊंगी नहीं तो कथा सुनने जाऊंगा, अभी आए नहीं, इतना इच्छा मात्र से ही भगवान उसकी हृदय में आकर के, जैसे एक व्यक्ति खुद को खुद किसी घर में जाए और अंदर में अपने आप को कुंडी लगाकर बंद कर दे, ऐसे ही बांके बिहारी सुनने का इच्छा मात्र से ही उसकी हृदय में आकर के ऐसे बंद जाते हैं, ठाकुर जी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता, उसकी हृदय में ऐसे बैठ जाते केवल इच्छा मात्र से ही। अगर कोई सचमुच से अगर कथा में आकर बैठ गया, सुखदेव गोस्वामी कहते भैया उनकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते, वो कितने बड़े पुण्यात्मा हैं, कितने बड़े पुण्यात्मा। इसलिए तीन अत्र के द्वारा भागवत की महिमा का स्थापन की। और मंगलाचरण का जो तीसरा श्लोक है ये आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? बोले निगम कल्प करूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवत रसमालयम मुहरहो रसिका भुवि भावुका। बोले हम कथा नहीं सुन रहे हैं, ये कल्प वृक्ष को नीचे गए। कल्प वृक्ष मतलब है जो कुछ आप मांगोगे ये भागवत से, ये भागवत कथा 7 दिन में आपको सारी इच्छाओं को पूरी कर देगी। जो रोगी उसको निरोग प्रदान करता है, निर्धन को धन, दुखी को सुखी, अपुत्र को सुपुत्र, सब कुछ प्रदान करती है ये भागवत कथा। जो मांगोगे ये भागवत से, भागवत कथा आपकी सारी इच्छाओं को पूरी कर देगी, सारी इच्छाओं को। लेकिन हाँ ध्यान देकर सुनो, कहती ये सारी इच्छा तो पूरी करती है, ये जो बच्चे है ना खेल रहे हैं जिंदगी का बच्चे, अपना अपना गोद में बच्चों को लेकर बैठे, अपना अपना बच्चों को गोद में लेकर बैठो जिनका जिनका जो माँ लोग बैठे। इसलिए एक अच्छा बात यहाँ पर बताया, कहती भागवत तो कल्प वृक्ष जो मांगोगे आपको वही देगा। लेकिन हमें ये भी सीखनी चाहिए ये भागवत से मांगे तो और मांगे क्या। एक उदाहरण दिया है, कोई एक गरीब ब्राह्मण था, उसने धन कुबेरे को आराधना की। अभी धन कुबेर खुश हो गया, बोले बेटा भर मांगो। धन कुबेर जाने तो सारे रुपया पैसा धन दौलत का मालिक है, हैं संतुष्ट हो गया, बोले बेटा मांगो क्या चाहते हो। लेकिन बेचारा वो गरीब ब्राह्मण था, उसके पास में गैया थी, बोले कुबेर जी मेरे पास में गैया है, गैया को खाने के लिए थोड़ा चुना भूसी दे दो। कुबेर ने कहा देखो ये बेटू को, मैं कुबेर हूँ, इतने तेरे को धन दौलत हमें दे सकता हूँ, तू भी खा, तेरे बेटा भी खाएगा, तेरा बेटा भी खाएगा, तेरा बेटा भी खाएगा, तभी समाप्त नहीं होगी, इतना मैं दे सकता हूँ। अब तुमने क्या मांगा, क्या मांगा तुमने? ये मांगा गैया को खाने के लिए चुनाव आते को, यही चीज को समझो। अगर हम भागवत से बोला ठाकुर जी बेटा नहीं बेटा दे दो, धन नहीं थोड़ी सी धन दे दो, नहीं तो बेटी की शादी नहीं हो रही शादी करवा दो, ये चीज तो भागवत आसानी से दे देती है, ये चीज आसानी से भागवत दे देती है। लेकिन अगर ये चीज अगर हमने मान लिया तो समझो वो गरीबी ब्राह्मण जैसे मतलब बैठे हो। हाँ, ऐसे एक चीज ये भागवत से मांगो, जो एक चीज मांगोगे जन्म जन्मांतर की तुम्हारी दुख कष्ट जन्म मृत्यु का चक्कर से तुम मुक्त होकर के परम आनंद परम शांति को प्राप्त कर सकते हो, ऐसे एक चीज भागवत से मांगनी चाहिए। कहते वो चीज क्या है? बोले ये चीज भगवान की भक्ति और ये भगवान की प्रेम है।
इसलिए ये चीज हनुमान जी से सीखनी चाहिए। आप लोग हनुमान जी का नाम सुने हो? कौन कौन हनुमान जी का नाम सुने सब जानते हो। जिस समय माता सीता को उधार करके लंका से लाए, भगवान राम इतने प्रसन्न हनुमान के ऊपर में हो गए, बोले हनुमान जी अगर तू नहीं होता है ना, ये माता सीता की उदाहरण बड़ा कठिन था, इसलिए आज मैं तेरे ऊपर में बहुत प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगोगे मांग लो, जी भर करके सब दे दूंगा। हनुमान जी क्या मांगे, बोले बार बार बर मांगो हरसीते हो श्री रंग पदा सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। बोले हे प्रभु आपकी चरण में बारंबार एक चीज प्रार्थना करता हूँ, मेरे को आपकी चरण की अनुपायनी अहितुक भक्ति संतों का संग हरि कथा प्रदान करो प्रभु। देखो हनुमान को क्या नहीं मिला, वो बुद्धिमान है, जानते हैं अगर भगवान को वशीभूत कर दिया ना भक्ति से, अगर भगवान अगर वशीभूत हो गए प्रेम में, बताओ जगत में क्या अप्राप्य तुम्हारी रह गई, सब कुछ तुम्हारे हाथ की मुट्ठी में आ जाएगी तुम्हारी। इसलिए भागवत से भगवान की भक्ति मांगो, ये सब चीज को इच्छा पूर्ण करने वाले श्री भागवत है। बोले निगमा कल्प तरूर गलितम फलम, बोले भागवत क्या है, कभी ये वेद रूपी कल्प वृक्ष है ये, और इसका जो पका हुआ फल ये श्रीमद भागवत है। एक में तो पका हुआ फल, फिर उसमें बोले सुख और मुखात अमृत, फिर उसने सुख पक्षी ने तोता ने चोंच मारी। एक कहावत है जिस फल में ये तोता चोंच मारता है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा मिठास आ जाती है, ज्यादा मिठास आ जाती है, और तोता उसी फल में ही चोंच मारता है, वो पका हुआ फल में कच्चा हुआ फल में वो चोंच मारेगा। मतलब ये भागवत पूरा मिठाई मिठाई है। इसलिए बोले क्या करो, बोले भैया इसको खूब पियो, बोले पहले आपने बता दिया ये फल है, ये फल को पीते है ना फल को खाते हो, बता दो फल को हम खाते है ना फल को पीते है, खाते हैं तो खाते है, लेकिन यहाँ पर कह रहे भैया इसको पियो, बोले पियेंगे कैसे, आप तो पहले फल बता दिया। बोले ये ऐसे के फल है जिसमें छिलका भी नहीं और जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें रसी रस है, और ये ऐसे के दिप्पर रस है। देखो जब कोई जूस हम पीते हैं रस को, हाँ बताओ तो किधर से पीते हो, किधर से पीते हो, मुख से, मुंह से, लेकिन ये ऐसे एक दिप्पर रस है जिसको मुंह से नहीं पी जाती है, जिसको कानों से पी जाती है, जिसको कानों से पी जाती है। अब देखो कोई चीज अगर मुंह में पियोगे ना तो जरूर निकलेगा ही, जो चीज आप देखना मुंह से पियोगे जरूर निकलेगा, लेकिन कानों से अगर कोई चीज पियोगे तो निकलेगा वो अंदर में रहेगा। इसलिए ये ऐसे के दिव्य ऐसे है जिसको मुंह से नहीं पी जाती, जिसको कानों से पी जाती है। बोले भैया कब तक इसको पियोगे, बोले आलयम, पी पी करके जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाते हो, जैसे कि शराब भी क्या करता है, शराब को पी पी कर जब तक बेहोश नहीं हो जाएगा ना तब पिएगा, फिर जब उठेगा क्या फिर पिएगा। बोले मुंह रहो इसको पीते रहो, छोड़ना नहीं ये रस को, छोड़ना नहीं पीते ही रहो उसको, लेकिन बोले भैया पीते तो है लेकिन सब निकल जाती है, हमारा शरीर में बहुत सारी छेद है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, हमारी छेदी छेद हमारा शरीर में वो सबके सब निकल जाती है। आपको मैं एक प्रश्न करता हूँ, ध्यान देकर सुनो, ये प्रश्न का उत्तर देना। जैसे एक कलसी है, ये कलसी में पूरा ही पूरा छेद ही छेद है कलसी में, कोई चीज अगर उसमें डालोगे क्या होगा, वो निकल जाएगा। आप लोग बताओ, आपके को मैं प्रश्न किया हूं, एक पात्र में जितने भले ही छेद छेद क्यों नहीं हो, अगर उसमें कोई चीज डालोगे ना वो एकदम नहीं निकलेगा, भले ही आप डालो भले ही उसमें जितने छिद्र क्यों नहीं हो उसमें निकलेगा, बताओ ऐसे क्या उपाय, कौन बोलेगा हाथ उठाओ, जिसमें जो सुने तो बोलेगे तो नहीं सुने बताओ, इसलिए ऐसे क्या उपाय है, भले ही जिसमें जितना छिद्र क्यों नहीं हो क्यों हो उसमें निकलेगा नहीं कोई चीज डालोगे, बताओ तो क्या उपाय है, क्या उपाय है,
देखो अगर वो पात्र को पानी में अगर डुबो करके रख लोगे ना, पहले ही उसमें जितना छिद्र हो पानी निकलेगा नहीं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यद्यपि हमारी अंदर में काम क्रोध लोभ मोह से भरा पड़ा हुआ, अगर ये भागवत कथा रूपी गंगा में अगर हम उसमें डुबकी लगा करके हर समय रहेंगे तो हमारी हृदय से एक बूंद भी ये रस निकलने वाले नहीं, भले ही जितने काम क्रोध क्यों नहीं हो। देखो इसका प्रमाण, देखो इसका प्रमाण देख लो, हम सबको अंदर में काम क्रोध लोभ मोह मतलब मान सकते सबका अंदर में है, लेकिन हम कथा में बैठे हैं वो कोई काम सता रहे हैं ना, क्रोध किसको सता रहे हैं ना, लोग सता रहे, कोई किसी सता रहे हैं, कोई नहीं सता रहे हैं, लेकिन ये कथा पैदल से बाहर चले जाए, जितने सारे काम क्रोध हिंसा द्वेष छल कपट केवल इसके बाहर निकलते ही तो सब पकड़ लेगा। अगर हर समय कथा रस में गोता लगाते रहेंगे ना, हमारी ये काम क्रोध हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सयने की भोजने की बाजागरणे अहर निशा चिंता कृष्णा बोला बदनी, सोते उठते बैठते हर समय क्या करो, भगवान की नाम लो और भगवान की भक्ति करो। एक बार हाथ उठाओ सबके सब, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 जोर से बोलिए, बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले ओम नैमि से हरिमि से क्षत्री ऋषया सौनकालया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। अभी ये घोर कलियुग आ गया है, अभी कलियुग से डरते हुए सौनकाद ऋषि और श्री ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले ये कलियुग से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। ब्रह्मा जी बोले मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहां पर गिरेगा समझना ये पवित्र स्थान, वहीं पर बैठे करके भक्ति करो, ये कलियुग तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं कर सकता। वो चक्र जा करके गिरा नैमिषारण्य में। आप लोग नैमिषारण्य कोई गए हो? नैमिषारण्य कौन कौन गए आप लोग देखे होंगे? जब वो कथा सुना रहे थे वो सबके सबसे पीछे बैठे हुए थे, क्योंकि ये सूत मतलब होता है जो रथ को चलाने वाले, उनको सूत कहते हैं, छोटे जाति के, लेकिन वो बैठे हुए थे सबसे पीछे। जब श्री सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाए, लेकिन सबसे पीछे तब बैठे हुए थे, लेकिन सारे ज्ञान को उन्होंने ही हृदय में धारण किया, सारे ज्ञान को उन्होंने हृदय में धारण किया है। इसलिए सौनकादि ऋषि लोग प्रसन्न होकर के बोले हे सुत गोस्वामी, आप गुरु जी की कृपा से ही जितने वेद पुराण उपनिषद को आपने अनुभूति किया है गुरु जी की कृपा से। देखो यहाँ पे शिक्षा देते हैं, अगर कोई सोचे अपने आप हम बहुत लिखा पढ़ा, अपने आप किसी
ग्रंथों को पढ़ करके हम समझ जाएंगे कद नहीं। ये ब्रह्म विद्या ये कैसे के विद्या है, ये विद्या को गुरुमुखी विद्या बताया। ये गुरु के बगैर ये ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसी जगत का विद्वता भक्ति में कोई काम नहीं करता है। इसलिए कहते गुरु जी की कृपा से ही आपने ये सारे शास्त्र का तात्पर्य जो आप समझे हो। ये घोर कलियुग आया है और कलियुग का स्थिति कैसे बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मीन जुगे जना मंदास्तु मंद मतयो मंद भाग्य जुपद्रुता। ये कलियुग का दुर्दशा का वर्णन किया है। कलियुग में प्राय करके लोग अल्पायु, सत्ययुग में 100,000 साल जिंदा रहते हैं। इसलिए आप सुने होंगे 10,000 साल 50,000 साल बैठ करके तपस्या करते थे। क्यों? वो जिंदा रहते थे 100,000 साल तक। द्वितीय युग आया, 100,000 से 1 0 हटा दो, 1 0 हटा दो, कितना होगा? 10,000 रह गया। फिर जब द्वापर युग आया, उसमें 1 0 हटा दो, कितना होगा? 1,000 हो गया। कलियुग आ गया, उससे 1 0 हटा दो, कितना होगा? 100। शास्त्र में बताया कलियुग जो घोर अवस्था प्राप्त करेगा, 100 से 1 0 हटा दो, कितना होगा? 10। धीरे धीरे, क्योंकि हर चीज ना वो हाइब्रिड देकर बन रही है। पहले जैसे प्योर चीज मिलती थी, अब प्योर चीज आपको मिलती नहीं। इसलिए धीरे धीरे लोग का जो हाइट धीरे धीरे कम होते जाएगा, वो बैगन तक भी तोड़ नहीं पाएगा, इतना छोटा छोटा हो जाएगा। बर्फना क्या इतने छोटे छोटे 10 साल जिंदा रहेगा 10 साल। इसलिए कलियुग में परमायु धीरे धीरे कम होते जाएगी। फिर कलियुग में बोले मंदा सुमंद मते। ओ आप देखना कलियुग में स्वाभाविक रूप में जो मन है ना वो गंदी चीज में जाता है। भजन में लगाओ, नहा धो करके पवित्र हो करके आसन के ऊपर बैठ करके आप देखो मन को, कोशिश करो 10 मिनट बैठेगी थोड़ा प्रभु को याद करेंगे, देखना 1 मिनट भी मन नहीं लगेगा। वो आंख बंद करते बेटा बेटी नाती पोती दुनियादारी सारी, और कलियुग में स्वाभाविक रूप में मन गंदी चीज में जाएगी। स्वाभाविक रूप में कलियुग में, अरे कलियुग में मन का सुमंद मत हो। कलियुग में जो मंद जो मन इतने मंद बुद्धि है। फिर टीवी आ गई, पहले टीवी नहीं थी, फिर इंटरनेट आ गया, फिर स्मार्टफोन आ गया। ये समझो ये कली ये साक्षात रूप में आ गया। क्योंकि पहले जब समय मिलता था क्या करते थे बताओ? आप अपना माता जी को पिताजी को देखो, गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, यही करते थे ना, ठाकुर जी के नाम जप करते थे। लेकिन अभी समय मिले तो टीवी खोल करके सास बहू की लड़ाई, हमको फिल्म आ रहे हैं, हमको सीरियल आ रहे हैं। आप देखना ये आपको गुंडागर्दी लड़की आदि करने के लिए छूट बैठ कहीं जाने का जरूरत नहीं, केवल टीवी खोल कर बैठ जाओ, केवल टीवी खोल कर बैठ सब घर में बैठ बैठ इसी कहीं जाने का आपकी जरूरत नहीं। इसलिए ये टीवी समझो ये कली युग में पहले तो एक चैनल था, अभी सारा दुनिया की चैनल है आ गई है। इसलिए लोगों को इतने उल्टा पुल्टा रास्ता में ले जाते हैं। इसलिए बोले मंदा सुमंद मतयो और मंद भाग्य चुभ द्रुता। भजन में बड़ा बाधा है, भजन में बड़ा बाधा है। भजन में अगर पत्नी अगर थोड़ा सत्संग में आ गई, अगर सत्संग की रंग थोड़ा चढ़ गया, थोड़ी सी अगर तिलक घंटी माला लगा लिया तो बोले इसकी चक्कर में तो पड़ गई। ये सब घंटी माला तिलक सब कहां से ले आए? अगर बच्चा कहीं सत्संग में गया, अगर थोड़ी सी गीता भागवत तिलक बोले कोई ये उम्र है तुम्हारी, ये कोई तेरी उम्र है अभी से ये सब गीता भागवत तिलक क्या कर रहे हो बेटा? अगर सिगरेट फूंक रहा है ना है? अगर शराब पी रहा, वेरी गुड, मेरा बेटा तो बड़ा एडवांस कर रहा है, सिगरेट फूंक रहा है और शराब पी रहा है ना, उसी समय को भी बोलेंगे नहीं। लेकिन अगर थोड़ी सी प्रभु की नाम भक्ति करने लग जाए बोले ये कोई उम्र है तेरा है, अभी से सब क्या काम कर रहे हो, अभी से सब तिलक कंठी माला किया है। मतलब कलियुग इतने प्रभावशाली, कहते मंदा बुद्धि सुमन मंदयो, बड़ा उपद्रव कलियुग में भक्ति करने में है। बोले प्रभु आप कृपा करके बताओ हमारे कल्याण कैसे हो। तो उन्होंने उनको 6 प्रश्न किया है और ये 6 प्रश्न का जो उत्तर है ना
ये पूरी भागवत 6 प्रश्न का उत्तर। अभी मैं 6 प्रश्न बताऊंगा, कल आपसे मैं 6 प्रश्न सुनूंगा, ठीक है? क्योंकि ये 6 प्रश्न का उत्तर नहीं, ये पूरी भागवत है। मैं सुनूंगा, मैं देखूंगा कल मेरे को कौन ये 6 प्रश्न बोलता है, जो बोलेगा ना उसको बढ़िया में इनाम दूंगा। इनका पहला प्रश्न है कि आत्मा को शांति कैसे मिले। देखो हम जीवन में जो कुछ करते हैं क्यों करते हैं बताओ? शांति के लिए करते हैं। पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? शांति के लिए। नौकरी चाकरी क्यों करते हैं? शांति के लिए। शादी विवाह क्यों करते हैं? शादी के लिए। बच्चे क्यों जन्म देते हैं? शांति के लिए। दुकान वगैरह क्यों करते हैं? शांति के लिए। अगर हमारे पास में पैसा है, अगर शांति नहीं तो दुकान मकान सब कुछ हमारे पास में, लेकिन शांति नहीं तो सब बेकार है। अगर दो रोटी में अगर शांति मिलती है ना, जगत में सबसे ज्यादा जो अनमोल वस्तु है शांति। अगर दो रोटी में अगर शांति मिलती है ना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर सारा दुनिया हमारे पास में अगर शांति नहीं तो सबके सब बेकार है। इसलिए मूल है शांति सुख। इसलिए इनका पहला प्रश्न यही है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? पर रुपया के प्रश्न है। अभी अभी इसका आप उत्तर सुनेंगे। दूसरी प्रश्न है, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? देखो ये जितने प्रश्न है ना, वो एक प्रश्न से जुड़ा हुआ है, क्योंकि तभी जीवन में शांति। बच्चे किसकी कह रहे अपने गोद में बैठा हुआ, इसलिए सब उसका साथ में इनका लीग है। इसके साथ में शांति तभी मिलेगी जब हम भगवत प्राप्त करेंगे, उसके बगैर शांति नहीं मिल सकती। इसलिए दूसरी प्रश्न है, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? क्योंकि प्रभु प्राप्ति में ही सुख है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी वो कहते हैं, राम विमुख कभी सुख नहीं पावा। मतलब भगवान से विमुख होकर के रावण जैसे व्यक्ति को भी सुख नहीं मिला। हम कितने पैसा कमाएंगे, कितना दुकान मकान करेंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास 7 उदाहरण देते हैं, उन्होंने 7 एग्जाम्पल दिया है। पहला एग्जाम्पल दिया, बारी मत है भी सिकता ते बरुते बिनु हरि भजन न भगत ये सिद्धार्थ अपे। अगर कोई रेती को पीस पीस करके अगर कोई बोले हम तेल निकाल दिया, रेती को पीसने पर तेल नहीं निकलती है, कहते मैं कभी मान सकता हूँ। अगर कोई पानी को मंथन करते करते कोई घी निकाल दे, कोई नहीं घी निकाल सकते, तो ये भी मैं मान सकता हूँ। अगर कोई बोले आकाश में फूल खिल रहा है, ये असंभव, तो ये भी मैं मान सकता हूँ। कोई बोले आकाश में फूल खिल रहा है, कोई बोले बांझ का बेटा हो गया, इसलिए तो बांझ बेटा नहीं है, तो ये भी मैं मान सकता हूँ। अगर कोई बोले खरगोश के सींग उग गया, तो ये भी मान सकता हूँ। कोई बोले कछुआ को पीठ के ऊपर बाल उग गया है, तो ये भी मैं मान सकता हूँ। अगर कोई बोले बर्फ के ऊपर में आग जल रही है, उन्होंने 7 एग्जाम्पल दिया जो असंभव है, ये कभी संभव हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है हम भगवान की भक्ति भक्ति कुछ नहीं करते, हम तो बड़ा आनंद देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये कभी हो ही नहीं सकता। जिसने ये दुनिया को बनाया स्वयं कृष्ण कहते हैं, दुखा लयम असासतम। दुनिया को जिसने बनाया वो खुद कह रहा है ये दूर का घर है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई बीमारी से दुखी, दुखी दुखी दुनिया है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हाँ कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास, सुखी राम का दास। ब्रसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। इसलिए दूसरा प्रश्न है, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या? तीसरा प्रश्न है, हमें भगवान कृष्ण की मधुर मधुर कथा सुनाओ।
यद्यपि कृष्ण एक है क्योंकि तीन धाम है, एक द्वारका, एक मथुरा और एक वृंदावन, ये तीनों धाम की कथा सुना। चौथा प्रश्न है केवल कृष्ण कथा नहीं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदा मानसृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। केवल कृष्ण में ही कैसे प्रभु राम रूप में आए, रावण को कैसे मारे, भगवान नरसिंह रूप में आए, उन्हें हिरण्यकश्यप को मारे, भगवान मत्स्यावतार में वेद को धारण की, कुर्मावतार में मंदराचल पर्वत को धारण की, वराहावतार में पृथ्वी को रक्षा की, इसलिए हमें भगवान के सारे अवतारों को भी हमें कथा सुनाया करो। उनका जो पंचमा प्रश्न है, भगवान की जो अद्भुत जस है, जब कृष्ण छह दिन की उतना को कैसे मारता है, एक महीना की उन्हें तिना वर्त को मार डाले, तीन महीना में सगड़ा सुर को मार डाले, सात साल उम्र में प्रभु गिरिराज गोवर्धन को उठाया, हमें भगवान की अद्भुत अद्भुत जस सुना। और छठवां प्रश्न है, भगवान जब ये दुनिया छोड़ करके गए, अभी कलियुग में धर्म कहाँ पर आश्रय लिया, हमें ये छह प्रश्न का उत्तर दो। ये छह प्रश्न सुनते ही सुत गोस्वामी प्रसन्न हो, खुश हो, हैं? बोले खुश भी हो गए, बोले इनके जितने प्रश्न हैं, वो सब भगवत संबंधी प्रश्न, कोई इधर उधर दुनियादारी की कोई उन्होंने बात नहीं की। हाँ देखो, यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर कोई सचमुच से संत है, आप उनको खुश करना चाहते हो, उनको जाकर के भगवत संबंधी प्रश्न करो। अगर ये दुनिया की बात करोगे, अगर कोई सही संत है, वो भगवत चिंतन में मन को डुबा करके रखते हैं। अगर हम दुनियादारी की बात करेंगे तो क्या होगा, उनको भगवत चिंतन छुड़ा कर, उनको विषय का चिंता मिल जाए, वो खुश नहीं होते। अगर उनको भगवत स्मरण अगर कराओगे, भगवान ही संबंधी प्रश्न करोगे, तो वो संत प्रसन्न होते हैं, इनके प्रश्न सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए। बोले पहले मैं अपना गुरु जी के चरण के प्रणाम करते हुए तुम्हारे प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। तो गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं, बोले बंदों गुरु पद पदो मां परागा, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
भगवान ने कहा सही बता रहे हो। बोले प्रभु मैं कसम खाता हूं। बोले भजन नहीं करोगे तो? भगवान ने कहा देखो बीच बीच में मैं तेरे को वार्निंग भी दूंगा। बोले प्रभु क्या वार्निंग दोगे? बोले जब पहले एक बाल पक जाए ना, ये मेरे फर्स्ट वार्निंग है। आप लोग ध्यान करके देखना, जब ये बाल पकती है ना ठीक यहीं से ये कान को पास में बाल पकते हैं। अब ध्यान लगाकर देखना, मतलब कान में पहला बेल पड़ गया। भगवान से तुम कसम खा करके आया था, उसका भजन करोगे, उसका नाम करोगे, कितने समय टीवी देख रहे हो, कितने समय इधर उधर की गप्पे मारते हो और कितने समय भजन करते हो, जब देखते हैं ना एक बाल पक गया हम उसको उखाड़ देते हैं। बोले हमें इतना जल्दी बुढ़ा बुढ़ी बना रहे, हमारा कुछ नहीं हुआ। फिर दो बाल पक गए उसका भी उखाड़ दिया, तीन बाल पक गया उखाड़ दिया, जब खिचड़ी बन जाए फिर मेहंदी ला करके कलर रात कलर कर देते हैं, कहते अभी हमारा कुछ नहीं हुआ, बुढ़ा बुढ़ी नहीं हुआ। भगवान कहते हैं फिर तो दूसरा भी वार नहीं दूंगा। बोले क्या करोगे? बोले आंख में कमजोर आ जाएगी, देखना आंख में कम होने लगेगा। फिर बढ़िया चश्मा लगा देते हैं, हाँ हीरो बनकर घूमते हैं। बोले हमारा कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते फिर तुमको थार वारने की दूंगा। बोले क्या करोगे? बोले खिल खिल कर हंस रहे ना, एक एक दांत तोड़ना तुम्हारा प्रारंभ करो नीतू, ये एक एक वार्निंग ही है भगवान की है। लेकिन फिर डेंटिस्ट के पास में जा करके फिर 32 दांत लगा लेते खिलखिला कर नीतू। भगवान कहते फिर चौथा वार्निंग की दूंगा। बोले क्या? बोले दो प्यार से तीन प्यार कर, दो प्यार से तीन प्यार हो जाएगा, मतलब डंडा पकड़ना पड़ेगा फिर है, कमर तुम्हारी कमर तोड़ दूंगा। लेकिन उसका वार्निंग को हम नहीं सुनते हैं। भगवान कहते फिर ठीक थी वार्निंग नहीं, राम नाम सत्य है। इसलिए ये एक एक वार्निंग है भगवान की। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते प्रभु गर्भ में हर जीव भगवान से कसम खाता है, तेरा ही नाम लूंगा, तेरा ही भजन करूंगा, तेरा ही भक्ति करूंगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आए थे हरि भजन को, संसार में क्यों आए? कि दुनियादारी करने के लिए? कहते नहीं, बोले आए थे हरि भजन को और ओटर न लगे कपास। जो काम करने आए थे उसको तो रख दिया पीछे, अब जो काम करने के लिए नहीं आए उसको ही करना शुरू कर दिया, इसमें उसको ही हम करना शुरू कर दिया। देखना हमारे भारतीय संस्कृति है, भले ही जिंदगी में जिसको पूजो, जिंदगी में जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आती है, जब ये शरीर छूटती है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जा रही, क्या बोलते बोलते ले जा रही? गोपाल नाम सत्य है। बोलो क्या बोलते ले जाते? गोपाल नाम सत्य, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, सब कोई बात होता, ये बोलते ना। बोले बेटा जितने राम का नाम लिए है ना, जितने हरि का नाम लिए हो, तेरे साथ में वही जा रहा है, एक सुई धागा भी यहाँ से नहीं जा रही है। पत्नी रो रो करके दरवाजे तक जाएगी, उसको आगे पत्नी नहीं चलने वाली, परिवार वाले तुम्हारे साथ में शमशान करते जाएंगे, उसको आगे कुछ नहीं जाएगा। क्या जाएगा? पायो जी मैंने राम हर आगे क्या चलेगी? ठाकुर जी की नाम ही चलेगी। इसलिए हम जीवन रहते रहते प्रभु का भजन कर लेनी चाहिए, प्रभु की नाम जप कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर इसलिए श्री सुखदेव सुत गोस्वामी पहले गुरु जी की वंदना की। बोले मेरे गुरु जी श्री सुखदेव गोस्वामी, वो जन्म होते ही वो सन्यास लेकर के जा रहे थे और व्यास देव पीछे 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 चल रहे थे। हा पुत्र हा पुत्र प्रतिध्वनि आ रहा था, हा पुत्र हा पुत्र। बोले कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता है, झूठा संसार है। सुत गोस्वामी कहते हैं कि जितने सारे वृक्ष लता पताओं से भी ये प्रतिध्वनि आ रहा था, हा पुत्र हा पुत्र। अगर मेरे गुरुदेव लता पताओं में अगर विद्यमान है, मेरे गुरुदेव मेरे हृदय में भी विद्यमान हो जाए। और ये सोनका ऋषियों ने जो प्रश्न की, इनकी प्रश्न की जैसे मैं उत्तर दे पाऊं, तो उन्होंने पहला प्रश्न का उत्तर दे रहे। आप लोग बताओ तो पहला प्रश्न क्या था? कौन बोलेगा हाथ उठा? हाँ कौन बोलेगा हाथ? अभी भूल गए क्या? अभी पहला प्रश्न क्या था? आत्मा को शांति कैसे मिले? देखो ये करोड़ रुपये की प्रश्न है। हम जो कुछ कहते हैं शांति के लिए, आप देखना प्रैक्टिकल रूप में एक चीज देखना, सामने एक समस्या, हम सोचते हैं कि
किसी तरह से एक समस्या अगर दूर हो जाएगी ना साथी मिलेगी, लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देखना वो एक समस्या तो दूर हुई नहीं, सामने तीन समस्या आप स्वयं देखे, फिर जी जान लगा देते हैं किसी तरह से ये तीन समस्या हल हो जाए फिर तो शांति मिलेगी, फिर देखना वो तीन का हल हुई नहीं, सामने पांच समस्या। जैसे मकोड़ा होता है ना, घर बनाते 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 वो यही से बुरी तरह से फंसता है, उसी में ही प्राण प्रत्याग देता है। हम भी समस्या को दूर करते रहो, अभी मरने वाले हैं, देखना 200 साल का प्लानिंग बना कर बैठा, ये करना वो करना वो करना, अभी मरने वाला है 200 साल का प्लानिंग बना कर बैठा। इसलिए इनका प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, इसका उत्तर दे रहे हैं। आप इस ध्यान देकर सुनो इसका उत्तर क्या देते हैं। बोले सबई पुंसांग पर धर्म जब भक्ति रभक्षजे आहाय तुमी अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसिद्धति। बोले जी मात्र के कौन है जी, हाँ ये चीज को समझो हम कौन है। जैसे आप किसी ऑफिस में काम करने के लिए आप जाओगे, आपको सबसे पहले पूछा जाएगा भैया तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है, तुमने डॉक्टरी किया ना इंजीनियरिंग किया ना सीए किया हुआ। आप जैसे आप पढ़ाई करोगे ना आपका नौकरी ठीक वे मिलेगा, अगर आपने सीए किया हुआ आपको इंजीनियरिंग की नौकरी दे दी आप कर सकते हो, आप इंजीनियरिंग किए हो आपको दे दिया डॉक्टरी की नौकरी आप कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप जो हो आपको वही नौकरी देगा तो फिर वही नौकरी आप कर सकते हो। इसलिए पहला प्रश्न है मैं कौन हूं, पहले ये चीज को समझो, फिर जाकर के आगे कोई काम करो, नहीं तो ना सारे जिंदगी भर गलत गलत करते रहोगे, जिंदगी भर गलत करोगे। इसलिए सबसे पहले ये समझो मैं कौन हूं। प्रश्न है जीव कौन है, जो जीव है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले ईश्वर ईश्वर संतान है ठाकुर जी,
इसलिए हम कहते हैं ना तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव तुमेव विद्याम द्रव्य तुमेव तुमेव सर्वम मम देव। हम सब भगवान के अंग ठाकुर जी के हम अंश है, पर हमारा कर्तव्य क्या है? पर सबई पुंसांग पर धर्म जब तो भक्ति सजे जीव मात्र का धर्म है भगवान कृष्ण नाम को भक्ति करना ही, यही जीव का परम कर्तव्य है। लेकिन अभी क्या हुआ है, गड़बड़ी हो गई। बोले गड़बड़ी क्या हो गई? बोले हम सबके सब ना किडनैप हो गए, हम सबके सब किडनैप बच्चे हैं। हम मानते हो किडनैप हो? देखो एक अच्छी कथा सुनो, हम कैसे सबके सब भगवान को कैसे, भगवान की तो संतान है लेकिन हम कैसे किडनैप हो गए। एक अच्छी कथा सुनो। बोले एक समय कोई एक राजा था के तो राजा का घर में कोई संतान नहीं, राजा बड़ा दुखी है, बड़े कष्ट से उसको घर में एक संतान की जन्म हुआ। राजा आनंद की कोई सीमा नहीं है, आनंद की कोई सीमा नहीं। लेकिन वो बच्चा जब छोटा था ना, गुंडा बदमाशी चोर होने उसको पैसा लोगों से उसको किडनैप कर लिया। अभी राजा का दुखों का कोई सीमा नहीं, बड़े कष्ट से मिला और वो बच्चा चोरी हो गई। एक दिन एक संत उसकी राज दरबार में आया। बोले महाराज सब कुशल मंगल है ना? बोले क्या कुशल मंगल, घर में संतान थी नहीं, ठाकुर को इच्छा से कि संतान भाई तो संतान भी किसी गुंडा बदमाश ने किडनैप करके ले गया। मैं तो बड़ा दुखी हूँ, अभी हम वृद्ध हो गए हैं, अभी ये दुनियादारी राज पाठ को संभालेगा। तो वो संत बड़े पहुंचा हुआ संत था, उसने अपना ध्यान लगा के देखा, उसने सब कुछ उसने देख लिया। बोले महाराज तुम्हारा बच्चा किडनैप, बोले अभी जिंदा है? अभी बोले जिंदा भी है और तुम्हारा बच्चा कुशल मंगल में है। बोले बताओ अभी मैं उसको ले आता हूँ। बोले महाराज बीच में तो गड़बड़ी हो गई। बोले क्या गड़बड़ी हो गई? बोले उसको जिस गुंडे बदमाशियों ने उठा करके ले गए वो आप उसका असली परिचय उसको नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं हम ही तुम्हारे पिता माता और एक झोपड़ी में रहते हैं, यदि यही तेरा घर है यानी यही तुम्हारा मकान यही है। उसको अपना असली परिचय उसको नहीं दे रहे, उसको वो पूरा आपको हमको भूल गया और ले आओगे आपको मानेगा नहीं। बोले फिर अगर आप बोलोगे मैं जाकर उसको पहले समझा सचमुच का उसका घर कौन कहाँ है, उसको पिता माता कौन है, अगर वो समझ जाएगा ना फिर उसको ले आओ। बोले बाबा आपको तो बड़ी कृपा होगी, हम तो वृद्ध हो चुके हैं, ये राजपाट को कौन संभालेगा। इतने में वो संत आए, वो बच्चे को अकेला देख रहे बोला इधर आ बेटा। बोले तेरा मकान कहाँ पर? वो छोटी सी झोपड़ी बताया। बोले तेरे पिता माता कौन है? वो जो गुंडे थे ना किडनैप करके ले गए थे। बोले ये हमारे पिता माता है। बोले देख बेटा तेरे को एक रहस्य बात बताना है, ये तेरे कोई पिता माता नहीं बने और ये तेरे घर भी नहीं। तेरा जो घर है ना वो राजमहल तेरा घर है, ये देश का जो राजा रानी तेरे पिता माता है। एक दिन तुम ये देश का राजा बनने वाला हो, ये तुम्हारी कोई घर भी नहीं पिता माता नहीं। बोले जन्म से तो मैं यही देख रहा हूँ। वो संत ने कहा इसलिए तो मैं तुमको समझा रहा हूँ है। बोले देख बेटा पिता माता के चेहरा से बच्चे का चेहरा मिलता, तू अपना चेहरा को मिला करके देख, तू कितने लंबे चौड़े कैसे तू गोरे और कितने सुंदर है। और जिसको तुम पिता माता कहते उसको चेहरा से चेहरा मिला कर देख, और ये देश का जो राजा रानी है उनको साथ में तुम अपना चेहरा को मिला। अभी तक तो उसको दिमाग में ये चीज कभी आई नहीं, सचमुच से जब उसने मिला या देखा उसको चेहरा तो इनको साथ में मिल ही नहीं रहा है, उसको चेहरा तो राजा रानी को साथ में मिल रहा था। बोले आप तो सही बता रहे हो। बोले घर में जाओगे बेटा? रोज छापा भोग छतरी सी व्यंजन खाने वाले तू, और तेरे को तो यहाँ सुखा रोटी भी तेरे नसीब में नहीं हो रहा है, राज महल में रहने वाले हैं तुम, जाओगे? बोले आपको तो बड़ी कृपा हुई थी। फिर उसने आकर के राजा को समझाया। बोले महाराज उसको मैंने अच्छे तरह से मैंने समझा दिया, जाओ अमुक स्थान पर ये गुंडे बदमाशियों के बीच में तुम अपना सैन्य सामंत लेकर के जाओ और घेराव करो, आओ ये गुंडों को जेल में बंद करो, अपना बेटा को वापस ले आओ। जब उसने अपना बेटा को वापस ले आया, बेटा हायरे राज महल मेरा घर है,
राजा रानी मेरे पिता माता, और एक दिन ये देश का मैं राजा बनने वाला हूँ। वो इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया। देखो हम जितने हैं ना, हम सब किडनैप बच्चे हम ये चीज को मानते हो, हम सबके सब किडनैप है, लेकिन हमें असली रूप में पता नहीं हमारे घर कहाँ पर है, हमारी असली पिता माता कौन है, हमें पता नहीं। सबके सब हम किडनैप हुए हैं। इसलिए वेद कहता है हम कौन है, बोले अमृतस्य पुत्र। ये वेद कहता है हम सबके सब अमृत के पुत्र हैं, हम भगवान के औलाद हैं। लेकिन रहने वाले कहाँ के, बोलो गोलोक वृंदावन के। गोलोक वृंदावन में रहने वाले, जहाँ पर दिव्य धाम है, जहाँ पर भूमि चिंतामणि, जहाँ पर वृक्ष कल्प वृक्ष, जहाँ पर पानी अमृत है, जहाँ पर चलना नाचना है, जहाँ पर बोलना भगवान का चिंतन है, जहाँ पर जन्म नहीं मृत्यु नहीं, जहाँ पर जरा व्याधि दुख कष्ट कुछ नहीं, वो कौन सा धाम, बोले भगवान के गोलोक वृंदावन धाम। लेकिन हम भगवान को भूलने पर हम रिफ्यूज हो करके कुछ दिन के लिए इसी जगत में आ गए। ये हमारा घर भी नहीं, ये हमारा मकान भी नहीं, ये हमारी दुकान भी नहीं। नहीं तो तुम्हारे पिता के पिता के पिता पिता गए ना, एक दिन हमें भी जाना पड़ेगा, कोई जा सकता है? सबको यहाँ छोड़ना पड़ेगा, हम कितने बच्चे हैं। इसलिए जब तक हम भगवान की पास में नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हमें शांति और सुख नहीं मिलेगा। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं सौनकादृषियों, अगर जीवन में परम सुख और परम शांति पाना चाहते हो, भगवान को भक्ति करो, निष्काम रूप में भगवान को प्रेम करो, भगवान की भक्ति करो, इसी सही तुमको परम शांति और परम सुख प्राप्ति होगी। जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं बोले तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, अगर जीवन में परम सुख परम शांति पाना चाहते हो तो मेरे शरण में आ, मेरे शरण में आकर के मेरी भक्ति कर, मेरी भक्ति से ही तुम्हें परम शांति परम सुख और प्यार तो बढ़े, अपना घर में तुम वापस जा सकते हो। इसलिए क्या करना पड़ेगा, भगवान की हमें भक्ति करनी पड़ेगी। उनकी जो दूसरा जो प्रश्न है, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, उनका दूसरा प्रश्न है, मतलब भगवान को मिलेगा कैसे। भगवान को प्राप्ति सही तो सुख मिलेगी, लेकिन वो भगवान मिलेंगे कैसे, ये दूसरी प्रश्न है। तब उसको उत्तर देते हैं बोले कलयुग के बलना मां आधारा, कलयुग के बलना कलयुग में ध्यान है ही नहीं, ध्यान करने पर भी तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगी।
क्यों कलयुग का धर्म ध्यान है ही नहीं, कलयुग का धर्म तो प्रभु का नाम संकीर्तन है। इसलिए नारद जी पुराण में बताए, बोले हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम अलो नास्ते व नास्ते व नास्ते वगतिरन्य नारद जी पुराण। पहला लाइन में तीन बार, दूसरे लाइन में तीन बार, पहला लाइन में हरे नाम हरि का नाम, हरि का नाम और हरि का नाम जो एवं शब्द संस्कृत में जहाँ दृढ़ करके केवल प्रभु का नाम सही कल्याण। दूसरे लाइन में नहीं नहीं नहीं, मतलब प्रभु के नाम कीर्तन छोड़ करके अगर और कोई उपाय को अवलंबन कर तो नहीं 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 मना कर दिया। बोले भैया तीन तीन बार क्यों बताया, वो एक एक बार क्यों नहीं बताया। बोले किसी बात को अगर तीन बार बोल दो ना वो पक्का हो जाता, और हम कलयुग का व्यक्ति एक बार बोलने पर नहीं सुनेंगे तब भी इधर उधर भटक गए। इसलिए यहाँ पर तीन तीन बार नहीं 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 कर सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास भी इसलिए बोले कलयुग केवल, यहाँ केवल शब्द प्रयोग किया, केवल मतलब प्रभु की नाम के सिवाय जीन का कोई उपाय नहीं। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। इसलिए तृतीय युग में था यज्ञ, बोले कलयुग में यज्ञ भी बड़ा असंभव है। यज्ञ के लिए चार चीज चाहिए, पहला नंबर शुद्ध ब्राह्मण जो सही सही रूप में मंत्र उच्चारण करे। कलयुग में संस्कृत पढ़ते थे, हम आगे सुनेंगे इंद्र ने यज्ञ करवाया, थोड़ी सी मंत्र इधर उधर हो गया ना, और जिसी के लिए यज्ञ कर गए तो उल्टा ही फल हो गया। अगर सही मंत्र नहीं हो तो फिर जो बीड़ी पीता है ब्राह्मण, जो गुटखा खाएगा उल्टा पुलटा, उसका मुंह शुद्ध नहीं, उसका मुंह से मंत्र नहीं उच्चारण होगी। फिर घी, आपको पता होगा कुछ दिन पहले अलीगढ़ में पकड़े गए, वो हाथी को गला गला कर घी बना रहे थे और उसमें सेंट डाल, घी का कोई नाम नहीं था उसमें, उसमें चर्बी पर भी अगर उल्टा पुलटा मिला है वो देवता ग्रहण नहीं करेंगे। फिर हवन सामग्री वो भी शुद्ध नहीं, हम लोग को प्रचार करने के लिए हाथरस गए थे, हमने देखा वो हमारा सामग्री बन रहे, जो लकड़ी का बुरादा में गाड़ी का बच्चा हुआ तेल को मिला मिला कर हमारा सामग्री बन रहा था। अगर देवता को देखो तो बताओ देवता कैसे ग्रहण करेंगे। फिर पैसा आई वो, अरे पैसा कलयुग में इतना कहाँ से लाएंगे। इसलिए भगवान ने यज्ञ नहीं रखा। द्वापर युग में था अर्चन, अभी अर्चन करने के लिए धूप दीप नैवेद्य चंदन अगुर कर्पूर पंचामृत बहुत सारी चीज, सोलह सो उपचार में सेवा करने के लिए बहुत सारी चीज चाहिए। इसलिए भगवान ने देखा कलयुग में एक से एक धर्म रखो जो बिना पैसा में और बिना परिश्रम में हो जाए, कोई पैसा की जरूरत भी नहीं हो और कोई परिश्रम में नहीं हो, आसानी से हो जाए। चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ तक बोले अगर घर में मजीरा ढोलकी है बहुत अच्छी बात, अगर ये भी नहीं तुम्हारी घर में कुछ भी नहीं, ठाकुर ने कहा भगवान दो हाथ दिए ताली बजाते हुए थोड़ी सी और उनका कीर्तन कर, क्या बोले ताली बजाते हुए कीर्तन कर, बस किसी से ही कल्याण है। देखो एक मिनट कीर्तन करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे Oh,
देखो कलयुग में ठाकुर जी कितने सरल उपाय का, ठाकुर जी कितने सरल उपाय का, सत्य जी ने क्या ध्यान इसमें बड़ा कठिन है। कभी एक काम को पर एक अंगुल पर खड़े होकर के हाथ ऊपर करके कभी कभी आग जला करके तपस्या करना कठिन है बंद। और तृतीया युग में जब आग यज्ञ जब आग की लपेटा निकलेगा देखना पास में बैठना कठिन होता है। द्वापर युग में अर्चन सेवा पूजा ये लाभ उसमें भी कठिन है, लेकिन कलयुग में आनंद है। अभी आपने कीर्तन किया आपको आनंद मिला ना कष्ट लगा था आनंद, आपको कीर्तन में रस आई आनंद आया ना कीर्तन में कष्ट मिला आनंद आनंद है। इसलिए कलयुग का जो साधन है वो सरल भी है। आपको कोई पैसा की जरूरत नहीं पड़ी कीर्तन करने के लिए, नहीं कोई पैसा की जरूरत नहीं पड़ी, और आपको कष्ट हुआ है कष्ट भी नहीं आनंद मिला। कलयुग का जो साधन है वो आनंद प्रद साधन है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु एक बात कथा बता रहे, अब ये जो ध्यान देकर सुनो, श्री महाप्रभु कहते हैं बोले नाम नाम कर बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमित स्मरण ना काल। महाप्रभु कहते हैं हरि अनंत हरि अनंत भगवान एक अनंत नाम है, कृष्ण गोविंद दामोदर कितने ठाकुर जी का नाम है। कलयुग में अपना नाम को लेने के लिए उन्होंने ये नहीं बताए जब केवल पवित्र अवस्था हो तभी ले सकते, ये नहीं बताए पवित्र अपवित्र किसी अवस्था में ठाकुर जी का नाम तो ले सकते हो, कोई उसमें पाबंदी नहीं है। नियमित स्मरण का काल फिर सर्व शक्ति स्तत्रार्पिता जितने भगवान की शक्ति है ठाकुर जी नाम में सारे शक्ति दे दिया। इसलिए मीरा कहती है हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, भगवान महाप्रभु कहते हैं कलयुग में मैंने इतने सरल साधन रख दिया तब भी ये कलयुग का जीव है नहीं बैठ करके गप्पे मार लेंगे, दुनिया की इधर उधर चुगली कर लेंगे, दुनिया की बात कर लेंगे। अगर बोले तो भैया थोड़ा नाम का गलत समय कहा, सिनेमा जाने के लिए समय, सारे काम के लिए समय निकालेंगे, लेकिन जब प्रभु की भजन की बात बताओ हजार बहाना ये हो गया ये हो गया। लेकिन मातृगर्भ में यही भगवान से कसम खा करके आए थे ठाकुर जी ये मानव शरीर दे रहे हो, उठते बैठते तेरा ही भजन करूंगा तेरा ही भक्ति करूंगा यही हम बोल करके आए थे। इसलिए आप लोग से प्रार्थना है चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए ना उन्होंने घर घर में गए और उन्होंने घर घर में जाकर के ना उन्होंने झोली पसार करके भिक्षा मांगी ना, तो स्वयं महाप्रभु कौन है राधा कृष्ण दोनों मिल करके एक रूप है, वो घर घर में जाकर भीख मांगे तो किस चीज की भीख मांगे बोले बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण से क्या, उन्होंने एक चीज की भिक्षा मांगे आप लोग सबके सब भगवान की भक्ति करो कृष्ण का नाम लो कीर्तन करो इसी सही जीवन में तुम्हें सुख और शांति इसी सही तुम्हें मिलेगा। इसलिए आप लोग भी सवेरे नहा धो करके क्या करना नहा धो करके थोड़ी समय ठाकुर के लिए दे सकते कि नहीं दे सकते नहीं ठाकुर के लिए, हमारे गुरु जी कहते थे जैसे लाइट जलती है ध्यान चलती है घर में उसका बिल हम भरते कि नहीं बताओ तो भरते हैं। अगर दो तीन महीना अगर आप बिल नहीं भरोगे क्या होगा लाइन कट जाएगी ना, लेकिन तीन में जिसने जितने इतना बड़ा लाइट तुम्हें दिया जिसने तुम्हें ये हवा पानी पृथ्वी में दिया उसके लिए हम क्या करते हैं
इसलिए श्री सूरदास जी कहते हैं, जिनी तनु दही ताही बिसराई कई से नमक हरामी। जिसने तुमने ये सारा दुनिया दिया, अगर कोई 10 रुपया दे देना उसके लिए जिंदगी भर याद करते हैं, लेकिन तुमने सब कुछ जिसने दिया उनके लिए कुछ भी नहीं उसके लिए कर रही, और अंतिम समय में यही साथ हो जाएगी और कुछ जाएगी नहीं। इसलिए सवेरे नहा धो करके भगवान की माला लेकर के थोड़ी सी भगवान के नाम जप करना, ठीक है ना। देखो अभी हम एक माला जप करेंगे, 5 मिनट में एक माला जप करेंगे, लेकिन हमको और एक थोड़ी सी कथा सुना करेंगे। ये कल श्री एकादशी है, कल भागवत में एकादशी, अगर भागवत कथा में अगर एकादशी आ जाए ना, समझो वो भागवत धन्य हो गया, क्योंकि ये श्रीमद भागवत ग्रंथ में और कोई बार प्रथम नाम नहीं भागवत में, केवल ये एकादशी की कथा की भागवत में आती है। अगर भागवत का बीच में अगर एकादशी आ गई तो समझो ये भागवत एकदम 4 चांद लग गया, उसमें 4 चांद लग गया समझो। इसलिए कल भागवत में एकादशी है, इसलिए सब लोगों को एकादशी व्रत रखनी चाहिए। आप लोग कोई एकादशी व्रत रखते हो? कौन कौन एकादशी व्रत रखते हो, हाथ उठा। देखो अभी आपको 10 मिनट एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ये एकादशी व्रत को बताया, ये कल्पतरु व्रत है। कल्पतरु व्रत ध्यान देकर सुनो, ये कल्पतरु व्रत मतलब है एकादशी से आप जो कुछ मांगो वो वही मिलेगा। अगर आपका घर में एकादशी व्रत की कथा होगी स्वयं पढ़ लेना। एकादशी का नाम है, जैसे 12 महीना में 15 दिन बाद में एक एकादशी आती है, 12 महीना में 24 एकादशी आती है, 24 एकादशी है। आप पढ़कर के देखना, एक एकादशी का नाम पुत्र था। अब तो पढ़कर देखना, किसके घर में पुत्र नहीं था, संतान नहीं था, उसने एकादशी व्रत किया तो उसको जीवन में पुत्र की प्राप्ति हुई। एक एकादशी का नाम अन्नदा, वो एकादशी व्रत किया तो घर में भोजन पानी नहीं थी, उसको किया तो घर में बड़े अर्थ की लक्ष्मी की बड़ी कृपा हुई। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, मतलब जो एकादशी व्रत रखने पर जीवन का सारे पाप नष्ट हो जाता है। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है माँ लक्ष्मी, जो एकादशी व्रत करने से घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। एक एकादशी का नाम है मोक्षदा, जो एकादशी व्रत करने पर जीव के जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए मुक्त होकर के प्रभु के पास में चले जाते हैं। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, जिसमें पाप नष्ट हो जाती है। आप एकादशी व्रत को आप स्वयं पढ़कर देखना ग्रंथों को, किसी राजा का राज्य हो गया था, उसने एकादशी व्रत किया, राज्य फिर मिल गए। कोई व्यक्ति संसार में बड़ी दुखद थे, इसी तरह से घर का दुख नहीं जाता था, एकादशी व्रत किया तो उसको घर का सारे दुख कष्ट दूर हो गई। लेकिन जो दूसरे दूसरे, जैसे कोई सोम रखते हो, कोई मंगल, कोई बुध रखते हो, उसका एक ही फल है, केवल एक ही फल, दूसरा फल नहीं। लेकिन एकादशी का, हर एकादशी की अलग 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 फल मिलेगा। यहाँ कोई राजस्थान के से कोई है यहाँ पर? कोई राजस्थान के व्यक्ति कोई यहाँ पर है? चल कोई नहीं। राजस्थान में एक नियम है, अगर कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ, उसके प्राण किसी तरह से नहीं जा रहे, अगर किसी ब्राह्मण को अगर घर में बुलाएंगे, पूछेंगे जल्दी से जल्दी उनको मुक्ति कैसे दुख कष्ट से मिले, वो कोई बार व्रत का नाम नहीं बोलेगा। वो बोलेगा तुम्हारे परिवार में कोई एकादशी व्रत रख करके उनको दे सकते हो, केवल एक ही व्रत का नाम लेगा, कोई एकादशी व्रत फल दे सकते हो। आप देखना, मैं कुछ दिन पहले यूरोप गया था, विदेश गया था, एक व्यक्ति 2 साल हस्पताल में भर्ती हुआ था, किसी तरह प्राण नहीं निकल रहा था, गला में अटक गया था प्राण, एकदम सज्जा पर केवल हड्डी हड्डी था, उसी के लिए परिवार इतने दुखी, प्राण निकल नहीं रहा, बिस्तर में साल साल तक टाटी बिस्तर कर रहा। उनका परिवार वाले मेरे को हॉस्पिटल में लेकर गए, बोले बाबा हमारे पिताजी का शरीर नहीं छूट रहा, बड़े कष्ट है, इसके लिए हमारा परिवार बड़े कष्ट है, बाबा कोई उपाय बताओ। फिर मैंने कहा एक काम करो, आप पूरा परिवार वाले एकादशी व्रत रखो, एकादशी व्रत रखकर इसका फल दे दो। बोले बाबा 10 दिन बाकी है। इनका एक एक दिन जो बीत रहा है बड़ा कष्ट से बीत रहा है। मैंने कहा एक काम करो,
आज आप लोग संकल्प ले लो, हम सबके सब एकादशी व्रत करके इसका फल प्रदान करेंगे। जब संकल्प किया उसी रात को शरीर छुटा दिया, उसी रात को। आप एक नहीं, मेरा ऐसे कितने सारे दिल्ली में कुछ दिन पहले एक माता जी की अवस्था ऐसी थी, उन्हें बोले एकादशी व्रत रखो। वृंदावन में हमारे एक समय को एक गैया को एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया वृंदावन में। एक्सीडेंट हो गए तो वो गैया के हार्ट भी प्यार एकदम टूट गया और चपट कर रहा था मेन रोड में पड़ करके। हमारे कोई अमेरिका में कोई जैसे लड़कियां आई ना विदेश से, वो अमेरिका से कोई एक माता जी आई थी, उसने देखा वो गैया बड़ा छटपटा रही। उसने हमारे जो बड़े गुरु जी को आकर बोले गुरु जी एक ट्रक से एक गैया की एक्सीडेंट हो गई, मेन रोड में पड़ करके छटपट छटपट कर रही, उसको दुख नहीं देखा जा रही। गुरुदेव ने कहा तुम जाओ उसको कान्हा में जाकर के बोल दो मैं एक एकादशी का फल मैं तेरे को देता हूँ, हैं एक एकादशी का फल देती हूँ। जब उसको कान्हा में बोलती प्राण छूट गया। मतलब यहाँ पर पुराण में बताया पृथ्वी में जितने सारे व्रत है ये सारे व्रत का फल को आप एकत्रित कर लो, सारे व्रत को एक तराज लो, सारे व्रत का फल तराजू का एक तरफ में रखो। अब एकादशी की जो महिमा आप तराजू का दूसरे तरफ में रखो क्या तो एकादशी का फल भारी पड़ेगा और जितने व्रत तो सबके सब हल्का हो जाएगा, इतने महिमा एकादशी की। इसलिए श्री व्यास देव जी ये सारे व्रत किसने लिखा है, ये पुराण में व्यास देव जी ने लिखा, लेकिन ये सारे ग्रंथ लिख करके उनको शांति नहीं मिली, उनको सुख नहीं मिली। लेकिन शांति सुख कब मिला, जब उन्होंने ये भागवत ग्रंथ लिखे। केवल ये भागवत में एकादशी की कथा हम आगे सुनेंगे, जिसको अंबरीश महाराज अपना पत्नी को साथ में कैसे मथुरा में एकादशी कर रहे थे, कैसे दुर्वासा ऋषि आए व्रत नष्ट करना चाहते थे, कैसे सुदर्शन चक्र कैसे उनको पीछा करके ब्रह्मलोक तक ले गया, वो भगाते भगाते शिव लोक तक गया कोई रक्षा नहीं की, विष्णु लोक तक खदेड़ते हुए ले गया विष्णु भी नहीं रक्षा की, लास्ट में अंबरीश के चरणों में माफी मांगना पड़ा। वो गृहस्थ होता ही शंकर जी के अवतार दुर्वासा है। मतलब एकादशी की इतने महिमा, ऐसे जीव को रक्षा करता है भगवान की, सुदर्शन चक्र ऐसे रक्षा करती है। इसलिए एकादशी की बहुत महिमा है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का भ्रम है, क्या भ्रम है, बोले इसको तो विधवा करती है, इसको तो सधवा नहीं करती, एक बात कहीं नहीं है। अब मृत कहीं दिखाओ, अब भागवत पढ़ करके देखो नंद जसोदा की कौन है, नंद जसोदा कौन है, कृष्ण के पिता माता है, भागवत में कथा है। उन्होंने एकादशी व्रत रखते थे, वो द्वादश में कैसे स्नान करने के लिए गए थे, वरुण लोक में कैसे ले गए, इसमें रुक्मिणी सत्यभामा कैसे व्रत की, तभी अगले जीवन में कृष्ण उनको पति रूप में प्राप्त हुई, जिसको अंबरीश महाराज पत्नी को साथ को विधवा दी। एक एकादशी आती है पांडवा निर्जला सबसे जो बड़ी, जिसको पंच पांडव द्रौपदी कुंती को साथ में करते, क्या द्रौपदी विधवा थी उसने। एक भौम एकादशी आती है, कि भौम एकादशी आप स्वयं एकादशी ग्रंथ जिसको पास में पढ़ करके देख लीजिएगा, एकादशी जैसे महिमा और किसी की नहीं, किसी की नहीं एकादशी जैसी महिमा। और एकादशी का दिन अग्न में गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, जो पांच जो महापाप है वो एकादशी का दिन अर्न में निवास करते। जो व्यक्ति एकादशी का दिन ये अर्न भोजन करते ही सारे पाप को उसको भुगतना पड़ता, कहते सारे पाप से मुक्ति मिलेगी, लेकिन एकादशी का दिन जो अर्न भोजन करते ही उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। कल हम कहा सुनेंगे कैसे दो पति पत्नी, उनको पता ही नहीं था आज एकादशी, वो सवेरे उठते झगड़ा लगती पति पत्नी में, ठनबन हो गई, पत्नी ने घुसा करके खाना नहीं बनाया, पति ने घुसा करके खाना नहीं खाया, लेकिन उनको पता ही था आज एकादशी, उनकी हो गई निर्जला चरणा। अब दूसरे जीवन में वो राजा रानी होकर जन्म लेते, कहते अगर अनजान में अगर ये कल आपको कथा सुनाएंगे कहाँ कहाँ पर ये सब कथाएं, इतने महिमा ये एकादशी की बड़ी महिमा है। इसलिए भागवत में अगर कथा सुन रहे हो, अगर आप एक एकादशी करोगे ना, हम सोच नहीं सकते इसकी इतने फल है। कल हम बड़ी अच्छी अच्छी पुराण से बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुनाएंगे। देखो और एक कथा सुना रहा, ये जो भक्ति है एकादशी ये एक साइंस है,
ये चीज को अच्छे तरह से दिमाग में बैठा, क्योंकि अभी साइंस का युग आ गया ना, है जब ये एकादशी के साइंस इसको अच्छे तरह से सुना। मैं आपसे सुनूंगा, मैंने क्या बताया था, जो बच्चे लोग बैठे हुए ना इस चीज को समझो, जो थोड़े लिखे पड़े हैं, ये कैसे ये साइंस, ये ऋषि मुनियों ने जो जो विधि बताया है, जो जो व्रत की विधि बताया है, वो सब के सब साइंटिफिक काल को जुड़ी जी दी। क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे वाल्मीकि, व्यास, पराशर, वशिष्ठ, ये साधारण ऋषि मुनि नहीं थे, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। इसलिए देखना अभी का जो साइंटिस्ट जैसे न्यूटन है, जैसे न्यूटन है, डार्विन, जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुए जो लिखे पड़े आप जानते हो, देखना उन लोगों ने जो फिलोसफी बता कर गए थे, लेकिन अभी का साइंटिस्ट लोगों ने उनका साइंस में बहुत दोष दिखा रहे। इसलिए देखना कभी कभी बच्चों का पुस्तक बदलती है, क्यों, तो न्यूटन ने ये बात बताया था, डार्विन ने ये बात बताया, अभी उन्होंने ये बात खंडन कर दिया। लेकिन हमारी गीता की कोई अक्षर अभी चेंज हुआ है, रामायण को कोई अक्षर चेंज हुई है, भागवत का कोई अक्षर चेंज अभी तक किसी ने किया है, क्यों, ये प्रॉपर साइंस है, ये एकदम प्रॉपर साइंस, ये हमारी भक्ति। देखो ये एकादशी कैसे साइंस है, मैं थोड़ी सी समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, अच्छे तरह से समझो। ये जो शरीर है ये एक मशीन है, कोई भी मशीन को आप कंटिन्यू चलाओ, देखना वो ज्यादा दिन नहीं काम करेगा। इसलिए देखना जैसे आप लोग काम करते हो, संडे को छुट्टी रहता कि नहीं, जैसे बच्चे लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं, अभी तो सैटरडे संडे दो दिन छुट्टी होता है, बोले क्यों, बच्चे को छुट्टी क्यों, पढ़ाओ ना सात दिन तक, बढ़िया पढ़ेगा, बोले नहीं पागल हो जाएगा वो, पढ़ेगा नहीं पागल हो जाएगा। जैसे आठ सात पीरियड है, देखना एक पीरियड खेल छुट्टी होता है, रिसेस खेल छुट्टी, खेल छुट्टी नहीं होता है, यदि ये ब्रेन के मशीन है, अगर बीच में आधा घंटा अगर खेल छुट्टी हो जाए ना, बच्चे का माइंड फ्री हो जाता है, फिर बढ़िया से पढ़ता है, इसलिए संडे को छुट्टी रहता है। तो उसी तरह ये शरीर भी एक मशीन है, अगर बकरी जैसे दिन भर मुंह में चलाओ ना बकरी जैसे, फिर ये शरीर ज्यादा दिन लास्टिंग नहीं करेगा। हाँ, जैसे ध्यान चलते कोई भी मशीन है, कंटिन्यू मशीन को चलाओ क्या होगा, वो तो ज्यादा दिन जाएगी, ज्यादा दिन नहीं जाएगी, अगर उसको बीच बीच में रेस्ट दे दो, विश्राम दो, वो बहुत दिन तक काम करेगी। उसी तरह ये शरीर भी एक मशीन है। ऋषि मुनियों ने देखा जब तक ये शरीर को सुस्त नहीं रखोगे तब तक भजन नहीं कर सकते, शरीर से तो भजन करेंगे, इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा देखो भैया 15 दिन में ये शरीर को एक बार विश्राम दो, शरीर को 15 दिन में एक बार विश्राम दो। आप प्रश्न कर सकते हो, बोले क्यों, हम 15 दिन में इसको क्यों विश्राम देंगे, हम 15 दिन में एकादशी में क्यों, और भी तो व्रत है, और तो व्रत है, उसी दिन आप विश्राम दे सकते। देखो इसमें क्या साइंस है, आप लोग सुने होंगे समुद्र में एक हाइट आई होता है, सुने हो, ज्वार भाटा, आप लोग समुद्र किनारे में रहे नहीं, समुद्र का पानी उफनती और घटती बढ़ती है, ये कब उफनती है बढ़ती है, यानी ये पानी का जो संजोग है चंद्रमा को साथ है, क्योंकि वो चंद्रमा में भी अध्यात्म शक्ति है, वो पृथ्वी को खींचती है, पृथ्वी चंद्रमा को खींचती है और चंद्रमा पृथ्वी को खींचती है, खींचने पर जो समुद्र कुल किनारा में जो लोग रहते हैं वो चंद्रमा जब एकादशा दिन से धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ती है, जब बढ़ती है चंद्रमा जितने बढ़ती जाएगी वो पानी समुद्र का पानी उतना उफनते जाएगा, उतना उफनते जाएगा, और पूर्णिमा का दिन इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती है, इतने पानी उफनते, बोले क्यों, बोले चंद्रमा वो पृथ्वी को आकर्षण करती है, आकर्षण करने पर वो पृथ्वी को तो आकर्षण कर नहीं सकती, इतना बड़ा पृथ्वी, वो आकर्षण किसको ऊपर पड़ता है, पानी को ऊपर, पानी को ऊपर पड़ता, इसलिए वो पानी को उफनती है। जब पूर्णिमा के बाद में जब प्रथमा द्वितीय होती जाएगी, देखना जितना परिमाण में चंद्रमा वो क्षीण होती जाएगी उतना परिमाण में समुद्र का पानी जो उफनता था वो धीरे 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 घटती जाएगी, वो धीरे 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 घटती जाएगी, पानी कम होती जाएगी, फिर जब धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ेगी उसी हिसाब से फिर पानी उफनने लग जाती है। उसी तरह हमारा जो शरीर है, शरीर हमारे 5 चीज को द्वारा बना हुआ शरीर है। आप लोग कोई बता सकते हो हमारा जो शरीर की 5 चीज क्या क्या चीज में बनी हुई है, बोलो कौन बोलेगा, हाथ उठा, बोलो क्या क्या, बोलो कौन हाथ उठा, बोलो क्या क्या चीज शरीर में, जोर जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो ना, हाँ
कहते हमारा शरीर पांच चीज को तरह बनी हुई है, मिट्टी, वायु, अग्नि, जल और आकाश, पांच चीज। बताओ पांच चीज में सबसे ज्यादा क्या चीज शरीर में क्या है? जल है। बताओ तो कितना परसेंटेज जल शरीर में, कितना? 75-80% शरीर में पानी पानी, ये शरीर में ज्यादा पानी, 75-80% शरीर में पानी। इसलिए पानी होने का नाते ये शरीर के ऊपर में चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। हम लोग देख लीजिएगा कि घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, देखना एकादश से थोड़ी सी ज्यादा दर्द शुरू हुई, धीरे धीरे बढ़ेगी। पूर्णिमा का दिन इतने दर्द होगा सोने से, इतने दर्द होगा, क्यों? चंद्रमा आकर्षण करता है। आप किसी हॉस्पिटल में जाओ, किसी हॉस्पिटल में देखना ज्यादा रोगी कब एकादश से पूर्णिमा तक ज्यादा रोगी, जहां पर लोग मरते हैं, किसी श्मशान घाट में जाओ देखना आदमी ज्यादा मरने वाला कब, बल एकादश से पूर्णिमा तक। आप देखोगे ज्यादा खून खराब होती है, लड़ाई झगड़ा देखोगे कब, ये एकादश से पूर्णिमा तक। क्यों? ये चंद्रमा का जो प्रकोप है ये शरीर के ऊपर पड़ता, क्यों? इसमें पानी ज्यादा है। कहते माताओं को अंदर उनके चिड़चिड़ापन है, देखना एकादश से पूर्णिमा तक ज्यादा चिड़चिड़ापन है। ये चंद्रमा की आकर्षण सही है, इसलिए ऋषि मुनियों को इस बात पता है, क्योंकि बड़े बड़े साइंटिस्ट थे ये लोगों ने, इसलिए बोले देखो भैया एकादशी का दिन क्या करो, जैसे ये अन्न खाने के लिए क्यों मना किया, देखो क्या साइंस, जैसे रोटी चावल उस पन जैसे होता है, आप रोटी खाओ थोड़ी देर बाद में आपको प्यास लगे, पानी पीने के लिए, अब पानी लगेगा आपको, पानी पियोगे जितना रोटी पियोगे, क्योंकि स्पंज जैसे चावल और ये रोटी, आप फल खाओ आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, वो पानी चीज नहीं मांगी, वो पानी नहीं मांगेगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा देखो एकादशी का दिन फल मूल खाओ, एकादशी दिन अन्न उन्होंने मना किया है, और अन्न खाने से क्या होगा, बीमारी होगी, बीमारी होने पर फिर क्या चाहिए, बोले मेडिसिन चाहिए, देखो मेडिसिन टेरामाइसिन क्रोसिन इतने दवा है ना, वो सीन 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 शब्द है, सीन मतलब क्या, पाप, सीन मतलब होता है पाप, बोले ये सब बीमारी क्यों हो रही, बोले सीन मेडिसिन मेड इट सीन है टेरामाइसिन क्रोसिन, वो दवा का नाम भी सब सीन सीन, बोले क्यों ये सब पाप हो रहा है, क्यों ये सब बीमारी, बोले सीन पाप से सब बीमारी हो रही है, इसलिए सब पूरा का पूरा साइंस है। ऋषि मुनि लोग इतना बेवकूफ नहीं थे, लेकिन देखो जो विदेशी लोग आए ना, हम तो हिंदू लोग है, हैं, हम तो आसानी से मान, जो अंग्रेजी लोग आए ना वो आसानी से मानने वाले नहीं, ये पूरा का पूरा प्रॉपर साइंस इसमें लगाते हैं, ये व्रत क्यों करते हैं, एकादशी क्यों करते हैं, हरिनाम क्यों करते हैं, ये सब सोच विचार कर करते हैं, ऐसे नहीं कर रहे, कंठी माला तिलक लगा ऐसे नहीं लगा दिया, इसलिए हम लोग भारतीय लोग है, इसलिए आप लोग कल एकादशी है, आप लोग जरूर एकादशी करना। देखो एकादशी कैसे करोगे, जैसे आप लोग नवरात्रि रखते हैं ना, नवरात्रि ऐसे ही रखना, कोशिश करना दोपहर तक कुछ मत खाए, तुम बताने ये मशीन है, हाँ ये मशीन है, दोपहर तक कुछ मत खाया करो, उसको बाद में अगर दिन में एक बार खा सको तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अगर कुछ भी नहीं खा करो तो और तो बहुत बढ़िया, उससे तो बढ़िया हो नहीं सकता है, लेकिन अगर भूख लगता है कोशिश करना बाहर में तो कुछ नहीं खाए, उसको बाद में जैसे फलाहार करते हैं ना, जैसे आलू का सब्जी बना कर, आप नवरात्रि करते होंगे आप लोग पता है, लेकिन कोई अन्न जातीय वस्तु जैसे कोई रोटी सब रोटी और गेहूं का चीज पे बना हुआ जो सूजी फूजी ये सब चीज मत खाया करो, और खाने के लिए बहुत सारी चीज है, पपीता है, काशी फल है, आलू है, फ्रूट सलाद बनाओ, पकौड़ा बनाओ, बढ़िया बढ़िया चीज खाओ भूख लेने के लिए, एकादशी का दिन केवल अन्न मत खाया करो, ठीक है? कल और अच्छी अच्छी में कथा सुनाऊंगा, ठीक है? बोले श्री एकादशी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और 5 मिनट एक नाम एक माला जप करेंगे, ठीक है? पिछले साल भी आप लोगों को हम एक माला जप कराए थे, आप चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो, कौन कौन चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो, हाथ उठाओ, तो चैतन्य महाप्रभु का नाम कौन तुमने सुना, जानते हो? जब श्री चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे उनका बहुत सारे भक्त थे, तो उन्होंने महाप्रभु से निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है, लेकिन भगवान एक चीज को शिक्षा देने के लिए बोले देखो मैं सबके घर में खाना नहीं खाता, बोले प्रभु आप किसको घर में खाना खाते हो,
कलयुग लखपति बनेगा। आज से 550 साल थे, कलयुग लखपति बनेगा उसको घर में खाना खाएगा। और उसी समय लखपति मतलब है जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो, वो लखपति। उसमें 550 साल में भक्त लोग तो बोले, प्रभु हम तो जिंदगी में कभी लखपति बन ही नहीं सकते, हमारा घर में 100 रुपया तक भी नहीं। 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मोहर जिसको घर में हो। बोले हमारे घर में तो 100 रुपया तक नहीं, आप तो लाख की बात करते हो, फिर हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे। देखो भगवान क्या समझा रहे। बोले जानते हो असली लखपति कौन है। बोले कौन है। बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी के नाम जप करते हैं वही असली लखपति है। इसलिए मीरा कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आप आज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी माखी हो कंगाल हुए। आप सबके सब मेरे तरफ से देखो, आप लखपति कैसे बनोगे। कुछ दिन पहले टीवी में अमिताभ बच्चन वो बोलता था, करोड़पति कौन बनेगा, करोड़पति कौन बनेगा, करोड़पति। यहाँ पर भगवान कहते हैं कौन बनेगा लखपति। अब मेरे तरफ से देखो, जैसे ये माला है, अब तो अभी एक माला देंगे जप करने के लिए। अरे बोल भैया तो चुप, इसको फोड़ दो तो ये माला ले दो। जिसमें इसमें 108 मोती है, है? इसमें 108 मोती। जब ये माला जब करते हैं, देख लो मेरे तरफ से, ये जो अंगुल को हम टच नहीं कराते, क्यों? ये गर्दा अंगुल है, ये सबसे पहले ये अंगुल निकलता है। मैं तुमको देख लूंगा, इसलिए ये अंगुल को हम ऐसे बाहर निकाल कर रखते हैं। जैसे उसमें 108 मोती है, जैसे हरे कृष्ण, आप सब मेरे साथ में बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी इधर ओपन देयर सम नॉट एंड ओपन, उसमें धागा है उसको खोल दो तो दो बार बोल करके हरे कृष्ण बोलो मेरे साथ में, तभी तो लखपति बनोगे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, उसमें एक मत्ती सरकार। देखो कैसे लखपति बनोगे, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब एक बार नाम किया ना 16 बार हो गया, और उसमें 108 मोती है। अगर एक माला कर लिया, फिर दूसरे तरफ से जैसे इधर करते करते जैसे इधर खत्म होता है, फिर उसको पार नहीं करके फिर घुमा देते हैं, फिर उधर से करते हैं। अगर ये 16 माला हो गया ना, 16 राउंड, वो हिसाब से होता है 25,000। अगर 64 माला कर लिया तो वो हो जाता है 1,00,000। भगवान खुद कहते हैं, तुमने 1,00,000 नाम नहीं की, आज तुम्हारी नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया भी चल रहा है। ये ठाकुर स्वयं कहते हैं। इसलिए मीरा कहती है, जिन जिनने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी वो कंगाल हुए, आखिरी वो कंगाल हुए। इसलिए असली जो हीरे मोती है वो ठाकुर जी के नाम है। आपको एक एक हम माला देते हैं, इतना तो माला है नहीं, जिनको पास में पहुंचेगा वो माला जप करना, और जिनको पास में नहीं पहुंचेगा आप मेरे साथ में जप करते रहना, आपको पूरा का पूरा फल मिलेगा माला जप करने। हरि बोल, हरे कृष्ण मनु जप किया प्रभु दया। ये बच्चों को बच्चों को नहीं देना, कृष्ण
सबके साथ आंख बंद करके बैठ जाओ। समझो वृंदावन ने गुरु जी संग गोस राइज वी आर सिटिंग इन वृंदावन वी आर सिटिंग अंडर द लोटस फीट ऑफ बिहारी जी एंड जस्ट भगवान के नाम जो जप करते हैं ना सो पीपल गो टू आवर चैंटिंग भगवान के नाम प्रभु का नाम जप कर रहे हैं मतलब आप विधि के आंख बंद कर लो हरे मतलब होता है जीवन में जितने दुख कष्ट जो हर ले कृष्ण मतलब होता है हमारा मन बड़ा चंचल है क्री मतलब होता है आकर्षण करना स्ना मतलब आनंद देना हमारा मन को विषय से जो हटा करके प्रभु के चरण में लगा दे और आनंद दे राम मतलब होता है सभी का हृदय में जो रमण करे और जीवन है हमें जो आहार इसमें तीन नाम है ये नाम जो करेगा जीवन का दुख कट जाएगा मन को शांति मिलेगी और जीवन में आनंद में जीवन पे रहो इसलिए आंख बंद करते हुए सबके सब करना देखो जिनको पास में माला नहीं आप भी करो क्यों जो हरि नाम करेंगे इनके सारे पाप उड़ जाएंगे लेकिन उड़ करके बैठेंगे कहाँ पर जो हरि नाम नहीं करेंगे इसलिए आप बस हम जो माला नहीं हम नहीं करेंगे करो नहीं तो सबका पाप का पसार कर बैठेंगे इसलिए सबके सब हमारे साथ माला करो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एक मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण देखो माला कोई लेना नहीं पाप लगी सारे माला वापस कर क्योंकि यहाँ पर हम माला जम करवाएगी आज तुम्हें अब तो माला दूंगा बाद में माला दूंगा लेकिन अभी नहीं इसलिए ये माला सबके सब वापस दो कहीं से लोग तो पाप लग गया सर वापस दे दो माला और देखो पता है आपको आज कितना लाख रुपया जमा हो गई 7 लाख रुपया जमा हो गई बैंक में क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं ना जो हरिनाम कर रहे गीता आवाज भी अब तक आने में और जितने लोग हरिनाम किया सब तक आवाज कान में गई मतलब आपको नाम पर बैंक में 7 लाख रुपया आपकी डिपोजिट हो गई देखना लास्ट में आप जब जाओगे ना वो जब कापी खुलेगा आपको सारे पैसा वहीं पर मिले आपको है सबके सामने वहीं मिलेगा सब माला वापस दे दो और वो दीदी एक भजन गाई देखो दीदी को भजन गाई पकड़ लेना दीदी इधर करके पकड़ लो गुरुजी की हमारे माता जी एक भजन गाई थी फिर आप लोग प्रसाद हरे कृष्ण देखो मैं सवेरे इधर सुना गाना सुने सवेरे 7 बजे इनके घर में हम मंगल आरती करते हैं उसको बाद में फिर हम उनको कुछ कथा सुनाता हूँ भगवान के बारे में कुछ कथा सुनाता हूँ अगर जिसकी इच्छा होगी हम भी कथा सुनना चाहते हैं अगर मन में कोई शंका हो कोई प्रश्न करना फिर तो इनके घर में सत्संग होती है सवेरे समझो 7:30 से 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 8 से 9 बजे तक हम कथा करते हैं अगर जिसकी इच्छा होगी हम कथा सुनना चाहते हैं आप लोग आ सकते हो इसलिए हम वहाँ पर 4-5 क्लास सुनाऊंगा पहला जो क्लास सुनाऊंगा उसका नाम सर्च फॉर हैप्पीनेस मतलब जीवन में सुख का खोज है दूसरा जो मैं क्लास दूंगा डेथ विदाउट एग्जिस्ट मतलब क्या भगवान है क्या भगवान नहीं है तुम बोल रहे ना तूने भगवान को देखा जब हम कोई चीज को देखा नहीं हम मानेंगे कैसे इसी विषय पर हम वहाँ क्लास देंगे और एक दिन बोलेंगे हु आम आई मतलब मैं कौन हूँ कोई कोई कहते हैं ना अरे ये शरीर तो एक मशीन है इसमें थोड़ी आत्मा ये तो अपने आप चलते हैं ये अपने आप चलता है इसको प्रूफ कैसे करेंगे नहीं ये शरीर में आत्मा नाम का कोई चीज है इस विषय पर हम उनके घर में डिस्कशन करेंगे अगर जिसकी इच्छा हो सुनने की आप लोग आ सकते हो अब इसे करें जो ईयर में जो बच्चे हैं और आना चाहते हो आप आ सकते हो वहाँ पर माता जी का आए बदराज की आए बदराज जा
Thank you.
अपना घर में बुला करके भजन कीर्तन करवाने के लिए हम लोग को बुला सकते हैं, क्योंकि घर में जब भक्त लोग आए, घर में कीर्तन हो, भजन हो, सत्संग हो, तो घर का सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर किसकी इच्छा हो, आप लोग जैसे कथा है, कथा जब विश्राम हो जाती है शाम को, फिर हम लोग आपको घर में जा सकते हैं। अगर जिसकी इच्छा हो, आप हमारे मदन मोहन प्रभु जी घर में खड़े हो जाए, आप इनको बताइएगा, फिर आपके घर में हम आ सकते हैं। ठीक है, सबके सब खड़े हो जाओ, अभी ठाकुर जी की आरती कर दीजिए। हरे कृष्ण, हरे बोल बोल, आगे वाले इधर देखो बड़ा बस, हरे कृष्ण बड़ा बड़ा, इधर देखो इधर देखो, माइक वाले भैया राधे श्याम, हरे बोल श्री राधे राधे, बोलो वृंदावन हरि हरि की जय, जय श्री राम, श्री भक्ति बिहारी Thank you.
उसको मुंह में थोड़ी आग लग गई, उसने दो चार बार चला लिया।
देखो ठाकुर कितने तैयार है। भगवान ने कहा कार्तिक का महीना ये दिया बुझने जा रहे और चूहा ने क्या किया ये दिया को तेज कर दिया मतलब मेरे को दिया दिखाया और दो चार बार छलांग लगा दिया मतलब मेरे सामने नृत्य वो दूसरी जीवन में वो राज राजा घर में राजा की बेटी बन गई जन्म हुई राजकुमारी बन गई और उसका हृदय में प्रभु का प्रति भक्ति बनी रही प्रभु का भजन करते करते जितने पुण्य हुई वल्लभ वृंदावन में भगवान उसका अपना गोपी रूप में जन्म दिया ठाकुर के पास चला गया। अगर कोई चूहा अगर छलांग लगा रहे कितना पुण्य हो सकती है और भगवान की कीर्तन में अगर कोई भाग से नाचो सोच नहीं सकते इतने पुण्य उसकी ठाकुर के सामने नाचने का। अब जब साहसी होना देखना मेन रोड में दारू पी करके गलती गलती सीखनी को पर पागलों में नाचते हैं लेकिन यहाँ तो ठाकुर का कीर्तन है यहाँ पर शर्म नहीं करनी चाहिए। आप क्या सुनते सब Thank you.
ट्वेंटी फर्स्ट में बाकी रहा क्योंकि देखो हमने देखा कुछ गोपियां नाच ले रही है। देखो वृंदावन में बड़ा कॉम्पिटिशन होता है कृष्ण की पार्टी और गोपियों की राधा की पार्टी, लेकिन कॉम्पिटिशन में ना राधा की पार्टी जीतती है, लेकिन यहाँ दिख रहा हूँ राधा रानी का बट हार जाएगा। अगर आप नहीं नाचोगे ना राधा रानी हार जाएगी, राधा रानी हराना नहीं, राधा रानी को जीताना, अगर नहीं नाचोगे तो राधा नहीं हारे, तो हम दिख रहे हैं कन्हैया को बट जीत कन्हैया को बटी जीता नहीं हराना ठीक है ना। और एक बार और एक बार सबके साथ हम नहीं नाचोगे तो फिर कृष्णा बटी हार जाएगी, हारना नहीं ठीक है। और एक बार प्राणियों में विश्व का श्रावण धर की गो माता की सब संतन की सब भक्तन की आदि आनंद की हरिनाम संकीर्तन की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय Thank you.